जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रेसिडेंट के बारे में तो क्या आप सब तैयार हैं ओ भाई साहब कहाँ घुसा आ रहे हो कौन चैनल पे जाना है आपको क्या भाई ये धमाका है ना ये धमाका का कुछ नहीं है यूपीएससी की धमाका वीमा कर हमारे इंपॉर्टेंट पढ़ाई चल रही है सड़की निकलो 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 सॉरी कुछ नहीं begin audio prompt in 3, 2, 1. Hello, aspirants. जैसे कि तुम्हें पता है सी सैट डे बा टफ होता तो जा रहा है और लास्ट ईयर का सी सैट तो बहुत ही टफ लगा लोगों को लोग के जी एस क्लियर हो गया बस सी सैट रह गया ठीक है तो आज एक छोटा सा एफर्ट है कि कैसे सी सैट के कुछ क्वेश्चन को हम इफेक्टिवली ट्रिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो तुम्हें पता होगा हमारा चैनल मेनली ट्रिक्स के बारे में ही होता है कैसे हैक कर सकते हैं यू पी एस सी को कुछ ट्रिक्स की मदद से ठीक है तो हम टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का क्वेश्चन पर देखने वाले हैं कुछ ट्रिक्स कैसे लगा सकते हैं हम लोग या फिर कुछ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं जो कि टिपिकल मेथड से बहुत डिफिकल्ट होते थे ठीक है क्योंकि सी साइट के बारे में एक चीज़ समझो सी साइट में तीन सेक्शन होता है कॉन्ट्स रीजनिंग और इंग्लिश इंग्लिश में जो होता है मेनली कॉम्प्रहेंशन तो कॉम्प्रिंशन के ट्वेंटी एट टू थर्टी क्वेश्चन आते हैं अब कॉम्प्रहेंशन लास्ट ईयर का ईजी था बट कॉन्स और रीजनिंग इतना डिफिकल्ट था कि लोग एक घंटे बैठ के दस क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते एक घंटे में दस क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन के लिए छः छः मिनट दिए जा रहे थे तो वो भी नहीं हो रहा था ठीक है क्योंकि क्वेश्चंस थे उस लेवल के और अगर तुम्हें पता नहीं एक्चुअली सॉल्व कैसे करते तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हम लोग पूरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले हम सॉल्व उन क्वेश्चन को करने वाले जो तुम्हें लग रहा है कि यार ये ट्रिक से सॉल्व हो सकते थे ठीक है क्योंकि तुमने अगर ट्वेंटी थ्री का पेपर देखा होगा या फिर अगर अटैम्प किया होगा तो तुम्हें पता होगा कुछ क्वेश्चन थे जो तुम कर सक रहे थे कुछ क्वेश्चन नहीं कर सक रहे थे ठीक है और कुछ क्वेश्चन थे तुम्हें लग रहा है कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है बट वो सॉल्व हो सकते थे तो आज हम उन्हीं ईजी वाले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि कुछ ट्रिक्स की मदद मतलब से सॉल्व हो सकते थे हम यार सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं अब क्यों नहीं सॉल्व करने वाले क्योंकि यार पहली बात तो मेरे पास इतना सेटअप नहीं है वो फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ठीक है पूरे क्वेश्चन करते बैठे तो मुझे लगता है तीन घंटे का वीडियो बन जाएगा मेरे नॉर्मल वीडियो तो चार घंटे के बन जाते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ तीन घंटे का वीडियो बन जाएगा तो इतना टाइम नहीं है अभी ठीक है तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बाकी क्वेश्चन हो गए ना तो मैं कहीं और किसी और चैनल पर मिल जाएंगे वो लोग अच्छे से दो चार मिनट लगा के पांच मिनट लगा के एक यही क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं तो वहाँ से देख लेना बट यहाँ अगर कुछ इफेक्टिवली या फिर कुछ अच्छे टेक्निक से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा वो तुम्हें मिल जाएगा ठीक है क्योंकि तुम्हारे फिफ्टी फिफ्टी फाइव नंबर जो है वो सिर्फ कॉम्प्रिंशन से आने वाले हैं तुम्हें कौन सा रीजनिंग दोनों ला के मैक्मम ट्वेंटी नंबर लाने बीस नंबर बीस नंबर के तुम्हें सी होते हैं सिर्फ आठ सवाल ठीक है आठ सवाल अगर तुम्हारा सही हो गए और तीस चालीस मिनट में चालीस पैंतालीस मिनट में तुम्हारा कॉम्प्रेंसन तो सॉल्व हो जाएगा तो एक घंटा दस मिनट जो बचेगा पूरा उसमें सिर्फ तुम्हें आठ से दस सवाल सॉल्व करने हैं इफेक्टिवली ठीक है जो तो तुम्हारे सही होगी तो बस हमें वो देखना है कौन से अभी जो फोर्थ क्वेश्चन है कौन में आता तो सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन राज के पास ये राज राज राज, राज के बारे में तो अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इजी क्वेश्चन इजी कैटेगरी में डालूंगा मैं क्यों राज के पास दस पेयर ऑफ रेड शूज है नाइन पेयर ऑफ वाइट शूज़ है एट पेयर ऑफ ब्लैक शूज़ है जो कि वो राज एक बॉक्स में डाल दिया है अगर वो रैंडमली शू पिक करता है तो क्या प्रोबेबिलिटी की होगी उसकी मतलब मैक्सिमम कितनी चांसेस लगनी कि वो दो रेड शूज़ पिक करेगा ठीक है अभी इजी क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन करा देता हूँ फिर उसके बाद देखता है ठीक है तो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ शूज़ कितने हैं रेड इंटू टू है वाइट इंटू टू है एट इंटू टू है तो रेड ट्वेंटी है नाइन एटीन है और एट सिक्सटीन है अगर उसने हार्ड डालना शुरू किया तो उसकी इतनी ख़राब किस्मत है तुम तो समझो कि वो जब भी हार्ड डाल रहा है उसको वाइट मिल रहा है या ब्लैक मिल रहा है उसको रेड मिल ही नहीं रहा है ठीक है तो उसने नाइन टू जर एटीन टाइम्स का पहला हाथ तो उसने वाइट खत्म कर दिए एट टूज सिक्सटीन टाइम्स हाथ डाला तो उसने पूरे ब्लैक ख़त्म कर दिए अब इतनी ख़राब किस्मत है कि जब पूरे रेड बचे उसमें से ना तब लास्ट बार जब वो दो हाथ डाल रहा है ना तब उसको सिर्फ रेड मिल रहा है एक पेयर मिल रहा है ठीक है तो यहाँ पर नाइन टू एटीन एट टू सिक्सटीन प्लस टू लास्ट के दो मतलब सिर्फ उसने रेड में डाला ठीक है अगर पूछा होता कि कौन सी कितनी मिनिमम चांसेस होगी तब वो निकाल लेगा तो मिनिमम चांस सिर्फ दो होती कि उसकी इतनी अच्छी किस्मत है कि उसने हाथ डाला पहला लाल निकला दूसरा लाल निकला अभी उसकी इतनी खराब किस्मत थी कि उसने सब जूते निकाल लिए काले और सफ़ेद पर लाल एक भी नहीं निकला लाल सिर्फ आखिरी में निकलेगा तो इतना इतना ही था इसमें बस और कुछ नहीं था इसमें ठीक है तो ये पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया अब फिफ्थ क्वेश्चन है अब कुछ क्वेश्चन छोड़ना है तुम्हें तो बहुत अच्छे से तुम तो बताना चाहिए कौन से क्वेश्चन छोड़ने ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं ना इसमें व्हाट टाइप ऑफ कितने वेज हो सकते हैं ये टाइप के क्वेश्चन छोड़ने हैं इन हाउ मेनी वेज कैन ए बैट्समैन स्कोर ट्वेंटी फाइव रन अब ट्वेंटी फाइव रन स्कोर करने के लिए वन स्कोर कर सकता है जीरो स्कोर कर सकता है या फिर उसके बाद वो टू स्कोर कर सकता है तीन तीन स्कोर कर सकता है चार छक चौके मार सकता है छक्के छक्के मार सकता है कितने भी वेज हो सकते हैं और आंस ऑप्शन ऐसा अठारह उन्नीस बीस इक्कीस तो ऐसा कोई छोड़ना है क्योंकि एक भी वे तुमने छोड़ा तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा तो फालतू तो इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं फंसना है ठीक है सिक्स क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन भी ईजी है इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन पढ़ लेना थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ चार लेटर्स है और चार तुम्हारे पास एनवेलप्स है अनवेलप एड्रेस लिखे हुए और लेटर्स में भी समझ लो तुम एड्रेस लिखे हुए तो फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज इज़ इट पॉसिबल दैट एक्जैक्टली वन लेटर गो गोज इंटू इनकरेक्ट एनवेलप चार लेटर को चार एनवेलप में डालना है तो क्या पॉसिबल है कि सिर्फ एक लेटर गलत एनवेलप में जाए नहीं पॉसिबल यार तुम एक को गलत में डालोगे तो दूसरा जो सही एनवेलप है वो किसी गलत वाले को मिल जाएगा समझ रहे हो तुम बहुत बेसिक सा चीज़ है तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि एक डाल सकता है तो फर्स्ट गलत है अब सेकेंड सेट में तुम सोचो क्या सही हो सकता है गलत हो सकता है ठीक है अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है तो नन ऑफ द लास्ट ऑप्शन होना चाहिए सिर्फ टू मार दो ठीक है क्योंकि फर्स्ट हमारा गलत हो चुका है नन की चांसेस बहुत कम होती है और अगर नहीं समझ में आ रहा तो यार कुछ नहीं है चार में से चार में लगे इसमें लिखा हुआ है कि इन विच वे सिर्फ दो लेटर सही जगह जाना चाहिए ठीक है चार में से दो लेटर तो सिर्फ चार में से दो सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है फोर सी टू ठीक है इसमें सिर्फ इतना ही है फोर सी टू से आंसर हो जाएगा सिक्स आ जाएगा यहाँ मैंने सॉल्व किया हुआ है फोर सी टू ठीक है फोर सी टू इज़ इक्वल टू सिक्स चार में से दो सही की प्रोबेबिलिटी सिक्स इसमें कुछ था ही नहीं तो ये वाला हो गया ठीक है अब बस सेवंथ क्वेश्चन जो होता है सेवन क्वेश्चन ये भी काफ़ी आसान था तो मैं देख लिया होगा इसका आंसर क्या होता है तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या लास्ट के दो डिजिट हंड्रेड आ रहे हैं तो हाँ इसमें हार आ रहे थे हंड्रेड मैंने ऐसे ऐसे उनको ब्रेक करने की कोशिश किया तो फाइव इंटू फाइव इंटू फोर लास्ट में दो जीरो आ गए लास्ट में दो ज़ीरो आ गए तो रिमाइंडर जीरो बचेगा ठीक है वो सारे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ जो कि बहुत ईज़ी है फिर तुम्हें कहीं और मिल जाएंगे सब करा देंगे ये साइकिली वाला क्वेश्चन है इसमें फाइव सेवन टू फोर टू रेज पर नाइन सेवन फाइव थ्री वन जी है ठीक है इसमें टू की साइकिली सिटी तुम्हें पता होती नॉर्मल जब यू में क्वेश्चन आता था वो ऐसे आता था कि आ, या फिर ट्वेंटी फोर का पावर समथिंग इतना बड़ा नंबर नहीं आता था तुमने किया होगा टू का पावर समथिंग क्या होता है तो वो तुम्हें आता है क्योंकि साइकिल सिटी वाला कंसेप्ट होता है डिवाइड बाई फोर करना पता है तो वो सब चीज़ तुम कहीं और देख ले लो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है ठीक है साइक् सिटी से क्योंकि साइकिल सिटी टू का पावर वन टू आता है टू का पावर टू फोर आता है थ्री का एट आता है फोर का सिक्स आता है फिर जब फाइव कर देंगे तो वापस टू आ जाता है तो टू की सिटी फोर है मतलब हर चार नंबर के बाद टू अपने आप को रिपीट करेगा फिर टू का पास सिक्स जो आएगा उसके एंड में फोर आएगा ठीक है तो ये साइकिल सीटी वाला कंसेप्ट होता है ये कहीं देख लेना तुम्हें तो ऐसे नहीं समझ जाएगा पता हो तो ये तुम्हारे से हो जाएगा नहीं पता हो तो फिर एग्जाम में नहीं ट्राई करना क्योंकि पता ही नहीं है अब ये क्वेश्चन नाइन्थ ऐसा है जो कि तुम कर सकते थे एग्जामिनेशन में बिकॉज ज़्यादा कुछ पता हो ठीक है ज़्यादा कुछ पता नहीं हो फिर भी तुम सॉल्व कर सकते थे ए बी सी डी एफ तीन डिजिट नंबर है डिस्टिंक्ट है याद रखना डिस्टिंक्ट है ए बी सी प्लस डी ई एफ वन 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 हो रहा है ए बी सी डी एफ की वैल्यू क्या है ठीक है देखिए लगा यार क्या ही है पता नहीं कुछ भी वैल्यू हो सकती है बट मैंने बहुत ईजिली सॉल्व किया इसको ठीक है इसमें क्या किया मैंने सिर्फ ए बी सी डी ई एफ मुझे कोई भी नंबर चाहिए ना तो मैं कोई भी एज्यूम कर लेता हूँ ठीक है मैंने सी की वैल्यू सिक्स ज्यूम किया एफ की वैल्यू फाइव एजूम किया ठीक है ये सारे मैंने साथ में सॉल्व किया किसी देखा नहीं है सी की वैल्यू सिक्स एफ की फाइव अब यही क्यों एज्यूम किया क्योंकि मुझे लास्ट में वन चाहिए था सिक्स और फाइव को ऐड करने में लास्ट में वन आता है और कोई नंबर है तो मुझे बता दो जिसको ऐड करने में वन आता है तो तुम वो ले सकते हो ठीक है आठ आठ प्लस तीन ले सकते थे ट्राई कर सकते थे मैंने ऐसे रैंडमली रैंडम में सिक्स प्लस फाइव लिया ए को मैंने एज्यूम कर लिया वन बी को एज्यूम कर लिया टू क्योंकि मुझे डिस्टिंक्ट एज्यूम करना है ठीक है तो ए बी सी क्या होगा गया वन टू सिक्स ठीक है और माइनस ए बी माइन फिर वन 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 माइनस ए बी सी वन टू सिक्स किया मैंने तो ना नाइन एट फाइव आ गया मेरा आंसर ठीक है नाइन एट फाइव आ गया तो डी की वैल्यू नाइन हो गया ई e की वैल्यू एट हो गई इसके हिसाब से तो मेरा जो एजमशन था इस अगर सी सिक्स लिया फाइव लिया तो ए बी डी एफ की ये वैल्यू आ गई अब इनको मैंने ऐड कर लिया तो मेरा आंसर थर्टी वन आ गया ठीक है डायरेक्टली थर्टी वन आ गया यही आंसर था इसका कुछ नहीं किया मैंने ठीक है सिर्फ पुट द वैल्यू गेट द आंसर अगर इस टाइप क्वेश्चन में ए बी सी डी एफ है ना तुम्हारे पास इतना प्रिविलेज होता है कि तुम ऑप्शन पुट करो और आंसर निकाल लो ठीक है तो यही करना है ऑप्शन पुट करके आंसर निकालना है डी क्या थ्री डिजिट नंबर सरदार द रेशो ऑफ द रेशो ऑफ नंबर टू द सम इज ऑफ इट डिजिट इज लीस्ट वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द हंड्रेड प्लेस एंड द डिजिट एट दून यूनिट प्लेस ऑफ डी तो डी है अगर ऊपर नंबर लिखूंगा और नीचे अगर मैं उसको तो सम कर दूंगा तो वो लिस्ट होना चाहिए तो लिस्ट होना चाहिए कि न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होना चाहिए वैसे कौन से नंबर मैं सेलेक्ट कि न्यूमिनेटर सबसे छोटा हो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो ठीक है तो मैंने पहले ये ट्राई किया कि भाई क्या हो सकता है मैंने वन नाइन नाइन ट्राई किया तो न्यूमिनेटर छोटा हो पर मुझे डिनोमिनेटर बड़ा भी तो करना है फिर मैंने दूसरा नंबर वन 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 बाई थ्री वन 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 लिया मैंने छोटा नंबर करने के लिए वन 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 लिया ठीक है और बट नीचे थ्री आ रहा था वन 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 डिवाइड बाय थ्री कितना हो ये फोर्टी के आसपास आएगा और वन नाइन नाइन डिवाइड बाई वन नाइन किया अगर मैंने वन नाइन 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 प्लस नाइन एटीन प्लस वन नाइनटीन इसलिए नीचे नाइनटीन है क्योंकि नीचे सम है सम ऑफ द डिजिट्स है ठीक है वन नाइन नाइन डिवाइड बाई नाइनटीन मतलब ये ऑलमोस्ट टू हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेंटी के आसपास हो रहा है टू हंड्रेड्रेड्रेड्रेड बाई ट्वेंटी कितना होता है ये ऑलमोस्ट टेन के आस पास होता है तो ये छोटा आ रहा है ठीक है ये बहुत बड़ा आ रहा है तो मैं समझ आया कि भाई वन नाइन नाइन ही नंबर होना चाहिए वन नाइन नाइन क्यों लिया मैंने क्योंकि ऊपर वाले को मुझे छोटा करना है ठीक है तो सबसे पहले डिजिट में वन ही ले सकता हूँ मैं और मुझे वैल्यू मैक्सिमम करनी है सम की वैल्यू तो इसलिए मैंने दो नाइन भी लिया यहाँ पे ताकि वो वैल्यू मैक्सिमम हो जाए ठीक है तो नाइन माइनस वन इज व टू एट आंसर इसका आ गया ठीक है ये तो मैं अगर समझ गया एग्जामिनेशन में तो करना है वरना छोड़ देना है ठीक है ये थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता था या फिर तुम कुछ गलत वैल्यू रज्यूम कर लेते तो इसको हटा देना कॉम्प्रिहेंशन की हमने एक वीडियो डाली हुई है पहले से तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ ठीक है अब ये क्वेश्चन ठीक है हाँ ये भी अच्छा है अब इसमें भी ऐसे कि कुछ दिया नहीं हुआ है तो वैल्यू वैल्यूज्यूम करो आंसर निकालो थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स है पी क्यू आर एस टी आर इवन एंड टू ऑफ दे मारोड ठीक है ठीक है ठीक है तो ठीक है तीन तीन इवन है दो ऑर्डर ठीक है अब फिर उसके बाद ये डेफिनेटली इवन है डेफिनेटली ऑर्डर है तो इसमें भी यार तुम देख के डर जाओगे यार बहुत डिफिकल्ट लग रहा है डेफिनेटली इवन है डेफिनेटली ऑर्डर कि आप पता है कुछ भी हो सकता है मैंने सिंपली किया यहाँ पे ठीक है फोर्टीथ क्वेश्चन दिखाता हूँ फोर्टीनथ uh, मैंने सिम्पली देख लिया कि क्या इसकी कुछ वैल्यू ज्यूम कर लेता हूँ ठीक है तो तीन इवेंट करना था आर एस टी को मैंने टू टू अज्यूम कर लिया उसने ये नहीं बोला हुआ है कि वो डिस्टिंक्ट होने से नहीं होना चाहिए मैंने अज्यूम कर लिया आर एस टी मैंने अज्यूम कर लिया पी क्यू मैंने ऑड अज्यूम कर लिया ठीक है तो इसको सॉल्व सॉल्व कर देखो मैंने पी क्यू आर एस टी एट प्लस टू माइनस फोर इज गो टू सिक्स इवन आ रहा ठीक है और फिर तुम वैल्यू चेंज करके देखो एक सेकेंड इज डेफिनेटली इवेंट तो, तो इवेंट आ रहा था मेरा और फिर वैल्यू चेंज करके देखो कुछ और वैल्यू डालो तो फिर तुम उसका आंसर देखो कि अगर वो भी इवन आ रहा है ठीक है तो तुम हो सकते हो कि हाँ भाई एटीन टू नाइन परसेंट श्योर है कि इसकी वैल्यू इवन ही आएगी ठीक है अगर तुम्हें और भी फिर उसके बाद शक है कि यार हो सकता है एक आदि और वैल्यू एड है तो कोई और नंबर वैल्यू लेके देख लो अगर उसमें ऑड आ रहा है तो ठीक है वरना तुम इवन लगा देना अगर तीन तुम्हारी इटरेशन इवन आ रही है अगर तुमने थ्री फाइव टू टू के अलावा कोई और नंबर ले लिया होता आर एस टी की वैल्यू फोर 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 ले ली होती और पी क्यू की वैल्यू चेंज करके कुछ और इवन नंबर ले ऑड नंबर ले लिया होता होता और फिर तुम्हारा वैल्यू कुछ और आ रहा होता ऑड तो तुम सोच सकते हो कि नहीं बाट डेफिनेटली इवन तो नहीं है पर अगर तुम्हारी तीन वाली इवन आ गई तो तुम सोचते हो मोस्ट प्रोबेबली इवन ही होना चाहिए ठीक है तो ये चीज़ है अब ये क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी तुम्हारा गलत हो जाए बट मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारा सही होगा सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्या है यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है टू पी प्लस क्यू प्लस टू आर माइनस टू एस प्लस टी इज डेफिनेटली ऑड ठीक है आप सेम कुछ भी वैल्यू वैल्यूजूम करके देख लो मैंने पी की वैल्यू छे ज्यूम पी क्यू वैल्यू तीन एज्यूम किया जैसे ऊपर वाले में किया था क्यू की वैल्यू फाइव एज्यूम किया आर की वैल्यू टू एज्यूम किया टू आर इज टू तो फोर हो गया माइनस पूरा इक्वेशन डाल के देखा सेम पी की आर एस की वैल्यू जो मैंने ऊपर डाला था वो पी की आर एस की वैल्यू में यहाँ डाला तो थर्टीन आ गया ऑड आ गया तो ठीक है थर्टीन ऑड आ गया यहाँ पर पूछा होता तो है इस डेफिनेटली ऑर्ड लिखा हुआ है डेफिनेटली ऑर्ड लिखा हुआ है तो एक ऑर्ड तो आया फिर हमने वाला हो सकता है और कुछ और वैल्यू भी आती होगी तो मैंने फिर वैल्यू चेंज करके देखा ठीक है पी की वैल्यू थ्री लिया क्यू की वैल्यू मैंने टू लिया आर की वैल्यू आर की वैल्यू फिर मैंने टू ले लिया एस की वैल्यू फाइव ले लिया टी की वैल्यू मैंने वन ले लिया नहीं स्टी की वैल्यू टू ले लिया तो ये सब करके देखा था फोर आ गया मेरा आंसर मैं फिर मैं समझा नहीं ये सेकंड वाला जो तो थे दूसरे इटरेशन में ही इवन आ गया मतलब ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है वो तो मैंने फिर बी हटा दिया सिर्फ ए टिक कर दिया वहाँ पे ठीक है तो, तो तुम्हें वैसे दो तीन वैल्यू लेके देखना ज़्यादा साहब तुम्हारे तीन चार तीन चार मिनट जाएगा बट उसमें तुम्हारे ढाई नंबर परफेक्ट कन्फर्म हो जाएंगे ठीक है अगर तुम ऐसे प्लस माइनस ही करना हो और कुछ करना नहीं है इसमें ठीक है ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है फिफ्टीन क्वेश्चन देखते क्या है यहाँ पे कुछ तो अजीब टेकडाउन किया मैंने ठीक है कैसे सिद्ध फॉलोइंग रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर पी एम कंपोजिट नंबर सी कैन बी एवन कैन बी ऑर्ट अब इसमें मैं सिर्फ यही चीज़ करता हूँ कि वैल्यू पुट कर देता हूँ दो तीन वैल्यू पुट करके जाएगी और क्या जाएगा सीधा कैकुलेशन लगेगा ना प्लस माइनस प्लस माइनस और डिवाइड वाला कैलकुलेशन छोटे बच्चे को भी आता है कर लूँगा ठीक है तो वैल्यू लेके देखा मैंने पी फाइव क्यू थ्री एक सेकेंड पी ओर क्यू है ना सी कहाँ से है यहाँ अच्छा पी और सी सॉरी पी प्राइम सी कम्पोजिट ठीक है तो पी प्राइम फाइव ले ली सी कंपोजिट टू ले लिया अच्छा अच्छा सॉरी हाँ फाइव टू पी इज़ इक्ल टू थ्री सी इज इक्ल टू सिक्स टू एट टू एट और थ्री नाइन ठीक है पी प्राइम इज इक्वल टू थ्री कम्पोजिट इज इक्वल टू नाइन प्राइम इज इक्वल टू कम्पोजिट तो मैंने तीन चार कॉम्बिनेशन ले लिया कि भाई ये कॉम्बिनेशन चारों पुट करके देखता हूँ अगर सही आ गया ऑप्शन तो फिर ठीक है वरना गलत हो जाएगा ठीक है तो मैंने पहले सेकंड में पुट करके देखा पी प्लस सी इज इक्ल टू सेवन पी प्लस टू नाइन पी प्लस सी क्या है ना सेकंड क्या था हाँ टू पी प्लस सी सॉरी टू पी प्लस सी टू पी प्लस सी तो मैंने क्या देखा था टू पी प्लस सी की वैल्यू मुझे क्या चाहिए थी कैन बी ऑड ठीक है तो टू पी प्लस सी ठीक है टू पी प्लस सी की वैल्यू ऑर्ड आ रही है सेवन एंड नाइन आ रहा था मेरा और पी और सी पी इं टू सी पी इन टू सी फाइव इंटू टू टेन आ रहा था फिर थ्री इंटू सिक्स एटीन आ रहा था और ये टू इंटू एट सिक्सटीन आ रहा था थ्री इंटू नाइन ट्वेंटी सेवन आ रहा था तो इसने लिखा था कैन बी ऑर्ड आ सकता है क्या हाँ मेरी एक ट्वेंटी सेवन वैल्यू ऑर्ड आ गई तो मैंने बोला ठीक है भाई ऑर्ड हो सकता है ये ठीक है तो थर्ड स्टेटमेंट सही हो गया यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे और क्या टू पी प्लस सी कैन बी ऑर्डर टू पी प्लस सी फाइव इंटू टेन प्लस टू ट्वेल्व ठीक है थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स प्लस नाइन और सिक्स प्लस नाइन क्या होता है सिक्स प्लस नाइन इज टू अठारह तो ये इवन आ रहा है टू इंटू पी टू फोर फोर प्लस एट इवन आ रहा है और थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व एक सेकेंड तो यहाँ पर ऑर्डर है अभी ठीक है टू पी प्लस सी कैन बी ऑर्डर पी क्या थी प्राइम नंबर प्राइम नंबर का डबल करेंगे तो क्या होगा प्राइम नंबर का डबल करेंगे प्राइम नंबर का डबल करेंगे तो प्राइम होगा ज़रूर नहीं है ठीक है कोई भी आ सकता है टू इंटू टू फोर फोर प्लस कंपोजिट नंबर फोर प्लस फाइव फोर प्लस फोर कैन बी ऑड ऑड हो रहा है क्या हाँ हो तो रहा है यहाँ पे ऑड ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं पहले पी प्लस सी डिवाइड बाई पी माइनस सी कैन बी इवन पी प्लस सी बाई पी माइनस सी तो फर्स्ट मैंने ऊपर वाला करके देखा हाँ सेवन प्लस नाइन डिवाइड बाई सेवन माइन नाइन इक्वल टू एट तो ये ऑड आ रहा है ठीक है और और करेक्ट कैसे हो गया यहाँ पे पी प्लस सी फाइव प्लस सिक्स डिवाइड बाई फाइव माइनस सिक्स फाइव प्लस सिक्स क्या हो गया फाइव प्लस सिक्स सेवन एलेवन आ गया ठीक है अगर पी मैंने फाइव लिया सी इज टू सिक्स लिया फाइव प्लस सिक्स इजिकल टू इलेवन डिवाइड बाई फाइव माइनस सिक्स टू वन मतलब पी माइनस सी ठीक है फाइव माइनस सिक्स टू वन और ये ऑड आ गया मतलब माइनस वन हो गया बट माइनस इलेवन आ गया माइनस इलेवन जो कि ऑड है तो ऑड तो आ गया मेरा एक टर्म पी प्लस सी बाय पी माइनस सी तो एक टर्म मेरा ऑड आ गया तो मैंने ये मान लिया ठीक है और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है ठीक है और ये सेकंड स्टेटमेंट की बात करें पी प्लस सी बाय पी माइनस सी की वैल्यू अगर तुम्हें तो लग रहा है कि भाई ऑड कैसे आएगी तो अगर मैं पी की वैल्यू फाइव लूँ ठीक है और सी की वैल्यू नाइन लूँ तो ट्यू पी प्लस सी क्या होगा फाइव इंटू टू टेन प्लस नाइन नाइनटीन ठीक है तो ये ऑड आ रहा है ठीक है अगर पी की वैल्यू फाइव लो सी की वैल्यू सिक्स लो जो कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है अगर ये वैल्यू लेके देखो तो ऑड आ रहा है ठीक है तो ये फिर मैंने सेटिसफाई कर गया हाँ ठीक है तो ये वैल्यू भी आ गई तो इसमें ऑल करेक्ट आंसर है ठीक है तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि तीन तीन चीज़ थी वहाँ पर और थोड़े ज़्यादा इट्रेशन लेने पड़े यहाँ पे और जबकि तुमने पहले देखा होगा पहले वाले क्वेश्चन में हमें बहुत कम इट्रेशन लेने पड़े थे तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था एक आदि भी क्वेश्चन तुम्हें लगे कि यार नहीं हो रही जल्दी से तो तुम गलत कर देते हैं यहाँ पर ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें थो थोड़ा सा लेट में करना था अगर क्योंकि यहाँ तीन ऑप्शन है जब भी तीन ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना थोड़ा सा बाद में करना है इसको या फिर अगर टाइम बचा तो करना क्योंकि इसमें एक ऑप्शन भी गलत होना तुम्हारे पूरा सवाल गलत होने के चांस होते हैं ठीक है तो इसको बाद में करना ठीक है ऐसे एक ऑप्शन वाले जल्दी कर लेना थ्री डिजिट नंबर ए बी सी ऑन मल्टीप्लीकेशन विद डी गिव थ्री सेवन डी डी ठीक है वेर ए बी सी डी आर डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट नॉन जीरो डिफरेंट दिया हुआ नॉन जीरो डी हो वट इज़ द वैल्यूफ़ ए बी सी ठीक है ए बी सी को डी से मल्टीप्लाई के थ्री सेवन डी डी हो गए ये क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये क्वेश्चन हो तो जाता बट ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं करने वाला है ठीक है कहीं देखना होगा तो तुम देख लेना बट ये क्वेश्चन मुश्किल होया था ये क्वेश्चन सच में मुश्किल होया था क्योंकि हो मुझसे भी मतलब कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकता मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकता और मल्टीप्लिकेशन विद ए बी सी एन मल्टीप्लिकेशन विद डी थ्री सेवन डी डी हो रहा है तो अगर मैं ए बी सी की कुछ वैल्यू एज्यूम भी करूँ यहाँ पे ए ब सी की वैल्यू मज्यूम करो मल्टीप्लाई बाय डी करो तो डी डी आना चाहिए लास्ट में दो डी आना चाहिए तो वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हुआ था तो यहाँ मैं वैल्यू पुट करना नहीं, करना मुश्किल होता था तो इसलिए मैंने यहाँ ये यह यह ट्राई किया है बट वाला ऑप्शन नहीं हुआ है ठीक है सॉल्व करके और ये चीज़ें अगर सॉल्व नहीं हो रहा जल्दी से तो छोड़ देना उसको ठीक है वैल्यू ट्राई पुट किया ट्राई करने का बट नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन ठीक है तो यहाँ पर पुट द वैल्यू गड् आंसर काम नहीं कर रहा है हाँ बट ये वाले क्वेश्चन में आसानी से काम कर रहा है ठीक है ये वाले क्वेश्चन में काम कर रहा है सीएम जो मैंने ट्रिक बताया अभी फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यू द सिक्स डिजिट नंबर ऑफ़ द फॉर्म एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड इज डिविजल बाय ठीक है तो बस ये चीज़ याद रखना मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ और सारे क्वेश्चन करने भी नहीं है जो थोड़े ट्रिक्स से हो सकते हैं वो करने एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड फॉर एनऑन एनी चॉइस ऑफ वैल्यू एक्स वाई जेड अब इसने ये भी नहीं दिया डिस्टिंगट होने चाहिए अलग होने चाहिए कुछ नहीं दिया उसने कोई भी एक्स वाई जेड ले लो क्या डिविजिबल किससे हो गया तो मैं सबसे अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए कोई नंबर लूँगा ना तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया कि एक्स की वैल्यू वन है वाई की वैल्यू जीरो है जेड एक्स वाई जेड ही है ना यहाँ पे हाँ एक्स वाई जेड एक्स की वैल्यू वन है वाई की वैल्यू जीरो है जेड की वैल्यू जीरो है एक्स वाई जेड तो मेरी भी जैसे तो जीरो, जीरो जीरो वन भी ले सकते थे एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू जीरो जेड की वैल्यू वन तो वैसे भी सेम हो जाता तो मेरा मन किया कि भाई एक्स वन लेता हूँ वाई जीरो क्योंकि मेरा कैलकुलेशन ईजी हो रहा है अब मुझे कुछ नहीं करना है अब ये पूछ रहा है क्या ये सात ग्यारह और तेरह से डिविजिबल है ठीक है तो मैं इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ सिर्फ डिवीजन पर डिवीजन आना चाहिए मुझे सात से डिवाइड के वन फोटी थ्री आ रहा है मैं बोला चलो ठीक है कूल हो गया एलेवन से डिवाइड के नाइनटी वन अवस लाइक कूल हो गया थर्टीन से डिवाइड के सेवेंटी सेवन कूल हो गया मतलब तीनों से मैंने सिर्फ डिवाइड किया और आंसर आ गया कुछ नहीं सिर्फ वैल्यू पुट किया और डिवाइड किया ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीथ क्यूब की बात है बातें पे ठीक है वन ट्वेंटी फाइव क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑफल क्यूबिकल ब्लॉक हाँ और इसकी एक और चीज़ है कि ये सारे क्वेश्चंस ना मैं पहली बार नहीं करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया हुआ है ठीक है तो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ क्वेश्चन तीन से चार क्वेश्चन रोज पोस्ट करता हूँ और उसके आंसर्स मैं ऑडियो नोट में सेंड कर देता हूँ तो ये तो मैं उसको बस एक कंपाइलेशन कर रहा हूँ ठीक है तो कहाँ है हमारा ग्रुप ये एस्पिरेंट्स ग्रुप है हमारा तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर किया हुआ है ठीक है तो यहाँ से तुम देख सकते हो लोग आंसर भी करते हैं फिर मैं ऑडियो नोट में ये सारी चीज़ें सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीनथ ठीक है ठीक है एटीनथ ट्वेंटी फाइव आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज द फॉर्म ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक और ठीक है क्यूबिकल ब्लॉक बना लिया अब तुम तो सोच तो के देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना ज़्यादा कुछ करना है नहीं इसमें वन ट्वेंटी फाइव आइडिकल आइडेंटिकल क्यूब्स को इससे एक ब्लॉक बनाया तो कितने क्यूब्स हो गए वहाँ पर मतलब क्या कितने क्यूब हो गए फाइन टू फाइन टू फाइव क्यूब बनाने के लिए क्या रहता था फाइव सॉरी ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव सॉरी फाइन टू फाइन टू फाइव तो फाइव 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 ठीक है फाइव इं टू फाइव टू फाइव वन ट्वेंटी फाइव हो जाता तो है मुझे इतना समझे कि भाई जो भी क्यूब पिकल बॉक्स है इसमें लेंथ में फाइव है ब्रेथ में फाइव है और हाइट में फाइव 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 ब्लॉक्स है ठीक है हाउ मेनी क्यूब सराउंडेड बाई अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड मुझे सिर्फ इतना देखना है कि अंदर मतलब अंदर कितने क्यूब्स है बस ये पूछ रहा है वो तो बस मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अगर क्यूब है तो उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर होगा वो भी एक क्यूब ही होगा ठीक है तुम समझ रहे हो जो क्यूब है अगर परफेक्ट क्यूब है उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर होगा परफेक्ट क्यूब होगा तो इसमें से कौन सी वैल्यू एक परफेक्ट क्यूब है ट्वेंटी फाइव एक परफेक्ट क्यू क्यूब नहीं है ट्वेंटी नि, वन परफेक्ट क्यूब नहीं है और एटीन uh, भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है ठीक है टू का हो सकता है क्या नहीं थ्री का हो सकता है क्या आ, नहीं 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 हो सकता तो सिर्फ ट्वेंटी सेवन एक परफेक्ट क्यूब है जिसका थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री है मुझे सिर्फ इतना समझा कि भाई अंदर भी परफेक्ट क्यूब ही होना चाहिए जो कि वन थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री का परफेक्ट क्यूब होगा ओनली ट्वेंटी सेवन एस ए परफेक्ट क्यूब बस मैंने टिक कर दिया ठीक है हाउ मनी डिस्टिंक्ट एट डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूज इन री अरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ आउट डिजिट ऑक्यूपाई ऑट प्लेस इवन डिजिट ऑक्यूपाई ईवन प्लेस ठीक है कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं देखिए आता है तो वैसे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है ईजी है वर्न छोड़ देना है इसको ठीक है आर्ट क्वेश्चन करने क्या पता गलत गलत कुछ हो जाए इसमें सर बतना है कि भाई तुम्हारे पास अच्छा अच्छा ईवन को ईवन पर डालना है याड को आट पर डालना है तो ईवन कितना है तुम्हारे पास चार ईवन है चार ऑर्ड है तुम्हारे, तुम्हारे पास ठीक है फोर और उसके बाद ठीक है तो यहाँ पे कितने जगह डाल सकते हो फोर फैक्टोरियल चार को चार पर डालना तुम फोर फैक्टोरियल तरीके से डाल सकते हो मल्टीप्लाई बाय फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल इसलिए क्या हुआ है क्योंकि वन और वन दोनों इक्वल है टू और तो टू इक्वल है तो टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये तुम कहीं भी देख सकते हो इसमें उतना कुछ ट्रिक है नहीं तो एक कोई भी तुम्हें बता देगा ये क्वेश्चन का आंसर इसलिए उतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इस पर मैं ठीक है ठीक है ये वर्किंग वाला काम है इसमें बस मैं एक चीज़ करता हूँ ये बताओ कि नहीं बताओ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये नहीं बताता हूँ यार किया तो है मैंने ये क्वेश्चन बट यार थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो एग्जामिनेशन कंडीशन में यार ये क्वेश्चन अवॉइड करो मतलब बता सकता हूँ बट ये क्वेश्चन तुम अवॉइड करो ठीक है क्योंकि इसमें क्या है ना पहले तो मैं मतलब बहुत बड़ा डेटा है फिर उसके बाद हु फिनिशिंग वर्क ऑन थर्सडे ये काम अलग अलग टाइम पर कर रहा है एक कर रहा है फिर दूसरा छोड़ के जा रहा है ठीक है और फिर तो और दो दो ऑप्शन है तुम्हारा तो बहुत टाइम निकल जाएगा इसमें अगर तुम्हें प्रॉपरली नहीं आता है इसको सॉल्व करना कैसे करते तो तो ये इसमें टाइम लग जाएगा तो इसको तो छोड़ देना ठीक है ठीके? कहीं देख लेना कोई ना कोई, ना, कोई ना तो कराया होगा कोचिंग वाले ने सॉल्व इसको ठीक है इसमें मतलब थोड़ा सा दिमाग लग जाएगा ज़्यादा का अब नया क्वेश्चन देखते हैं कुछ कौन सा ईजी वाला कौन सा है ठीक है ये क्या है ट्वेंटी फोर्थ वट इज़ द वैल्यू ऑफ ये सेवन एक्स सेवन क्या पता क्या लिखा हुआ है ये मुझे नहीं समझा ठीक है ट्वेंटी फोर मैंने ट्राई किया बट ये समझा नहीं और ट्राई किया ज़्यादा नहीं समझा तो मैंने छोड़ दिया इसको क्या पता क्या चीज़ है ठीक है तो ये प्लस का मतलब क्या होता है मतलब पहली बार क्वेश्चन देख रहा हूँ ना तो फिर मैं अज, मतलब कंपरेंट नहीं कर पाया हटा दिया मैंने इसको करना भी नहीं सारा सॉल्व जो करना है वो अच्छे से करना है लेट एक्स बी अ पॉजिटिव इंटेज सज दैट सेवन एक्स प्लस नाइनटीन नाइनटी सिक्स इज डिविजिबल बाय एक्स हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स आर पॉसिबल अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब भी हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल होता है इस वाले क्वेश्चन में भी ना थोड़ा सा अवॉइड करना है इसको हाउ मेनी वैल्यूज हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर क्योंकि अगर एक भी पॉसिबिलिटी मिस हुई तो हमारा आंसर दस का ग्यारह हो जाएगा ग्यारह का बारह हो जाएगा या फिर अगर मतलब मिस हुई तो ग्यारह का दस हो जाएगा ठीक है तो इसलिए मैं सीधा सीधा छोड़ देता हूँ इनको पता नहीं क्या ही है और टाइम वेस्ट उन क्वेश्चन में करना नहीं है जो कि लगता है कि भाई गलत हो सकता है ठीक है अब ये क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स अच्छा है यहाँ पे फिर से अज्यूम द वैल्यू गेट द आंसर पी क्यू आर एन एस आर डिस्टिंक सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर अब याद रखना डिस्टिंट है ठीक है थीके? अगर सेम डिस्टिंक नहीं लिखा होता तो मैं सेम सेम ले लेता और इज्ज द ग्रेटेस्ट वैल्यू पी क्यू आर एस अब पी क्यू आर एस की ग्रेटेस्ट वैल्यू बनने के लिए पी क्यू आर एस की वैल्यू पी क्यू आर एस की वैल्यू बड़ी साइड पर होनी चाहिए ठीक है तो क्या हो सकता है छः सात आठ नौ ये चार वैल्यू है जीरो सौ नाइन के बीच में सबसे बड़ी है क्योंकि इनका ही मल्टीप्लीसन प्लस करके करूँगा तो बड़ा आ जाएगा अगर इसमें एक दो ले लें तो नंबर छोटा हो जाएगा तो ठीक है छः सात आठ नौ अब मैं छः सात आठ न कोई कौन से कॉम्बिनेशन बनाऊँ इसमें कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम आए ठीक है तो मैं बैठ के देखता हूँ भाई कुछ नहीं करना है इसमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन वाला गेम है ठीक है पी क्यू आर एस की वैल्यू नॉन ऑन ऑनो नहीं ले सकता क्या कर रहा हूँ मैं ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है ना यहाँ पे बिल्कुल नॉन ऑन ऑनो नहीं ले सकता मैं क्योंकि नॉन ऑन ऑनो है नहीं नौ आठ सात छः ठीक है इसको करके देखा टू टू फोर आया नाइन प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट करके देखा टू टू फाइव आया तो टू टू फाइव जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ठीक है थ्री टू फोर के जब नाइन 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 था बट फिर मैंने ध्यान से पढ़ा तो नाइन 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 मतलब इसका थ्री टू फोर आंसर नहीं है क्योंकि डिस्टिट नंबर है सारे ठीक तो है, है तो नाइन प्लस एट सेवन प्लस सिक्स के टू टू फोर है नाइन प्लस सिक्स इन टू सेवन प्लस एट के टू टू फाइव है तो समझाओ टू टू फाइव इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट इट कैन अटेन ठीक है और तुम करके देखते कि भाई हो सकता है कि तुम मतलब तुम चारों अल्टीपल्टी करके देख लेना है बस इतना ही करना है तीन मिनट का कैलकुलेशन का काम है तुम्हारा आंसर आ जाएगा ठीक है इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी तुम्हें आंसर सही आ गया तो आ गया बैठा है नंबर पक्के तो मैं करना ही ज़्यादा कुछ नहीं सर तो दस क्वेश्चन इफेक्टिवली अच्छे सॉल्व करना है uh, नंबर है एन इज फॉर्म बाय रेटिंग नाइन फॉर नाइनटी नाइन टाइम्स वट इज़ द रिमाइंडर एन इफ रिमाइंडर इफ एन इज़ डिवाइडेड बाय थर्टीन ये वाले क्वेश्चन मैंने सोचा क्या ही करे इसका हो जाएगा क्या अगर एग्जामिनेशन नहीं समझ रहा छोड़ देना बट मैं एक छोटे से ट्रिक बता रहा हूँ सॉल्व करने का मतलब एक बार ट्राई लेके देख लेता हूँ मैंने सोचा ऐसे एग्जामिनेशन नहीं आता तो छोड़ देना ठीक है ट्वेंटी सेवन कैसे किया मैंने अब नाइन 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 नाइनटी नाइन टाइम्स लिखा हुआ है यार इसको कैसे डिवाइड करूँ पूरा नाइन नाइन लिख डिवाइड तो नहीं कर सकता सो so, चलो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है डिवाइड करना मैंने शुरू किया थर्टीन से डिवाइड किया डिवाइड करते गए तो लास्ट में ना जब एक दो तीन चार पाँच छः छः नौ मेरे गायब हो चुके थे तब फाइनली कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया ठीक है फाइनली लास्ट नौ एक दो छठवा नौ उतारने के बाद ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तुम्हें तो समझ रहा है कि अच्छा नाइन 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 नहीं अगर छः बार रहेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद जीरो आएगा फिर उसके बाद वापस नौ उतारना पड़ेगा अच्छा तो फिर मुझे लगा कि यार जो छः छः बार तक ही कम टर्म कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी तो मैंने नाइन 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 डिवाइड बाई सिक्स किया ठीक है तो मेरे को नाइन्टी सिक्स तक तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा था प्लस तीन तीन नौ एक्स्ट्रा के बच रहे थे अच्छा तो मैंने बोला तेरह से तीन नौ एक्स्ट्रा के बच रहे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वही फाइनल टर्म का रिमाइंडर होगा वही एक्चुअल टर्म का रिमाइंडर होगा तो मैंने देखा कभी अगर तीन टर्म होती है यहाँ पे सर वन टू और थ्री तीसरे टाइम करने के बाद मेरा रिमाइंडर कितना बचता आई थिंक ग्यारह हाँ हाँ अगर मैं नाइन 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 का डिवाइड बाई करता थर्टीन से तो मेरा ग्यारह ग्यारह रिमाइंडर बचता है ग्यारह ऑप्शन है ना गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कुछ हाँ इलेवन रिमाइंडर बचता है क्योंकि हाँ देखो अगर ये तीन नौ होते सिर्फ तो मेरा फर्स्ट तो नाइनटी वन उतरता फिर एटी नाइन बचता एटी नाइन सेवेंटी एट काटता मेरा एलेवन बच जाता सिर्फ यहाँ पे ठीक है तो मेरा नाइन 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 डिवाइड बाई अगर तुम थर्टीन करते तो मैं तो तो समझ जाता है कि ग्यारह रिमाइंडर बच रहा है वही आंसर है ठीक है तो बस मैंने इतना करके देखा मुझे पता नहीं था इसका आंसर क्या होता है ठीक है ट्वेंटी क्वेश्चन क्या है इज डि डिजिटिफ नाइन डिजिट नंबर इज वन इट इज़ मल्टीप्लाई बाईट वट इज़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर ठीक है नौ डिजिट नंबर है वन 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 नाइन टाइम्स को मल्टीप्लाई करो वन 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 नाइन टाइम से कुछ तो बड़ा सवाल ही आएगा ठीक है तो मैं बस दो मिनट ट्राई करके देखा कि भाई क्या हो सकता है ऐसा कुछ बड़ा करके देखा फिर मैं बोला छोड़ देते इसको क्योंकि एग्जामिनेशन में एक्चुअल सॉल्व नहीं कर पाऊंगा मैं ठीक है अगर एक भी बार इधर उधर हुई तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा ठीक है तो इसको फिर मैं छोड़ देता हूँ बट इसका आंसर एटीन वन आ चुका था क्योंकि इसको ऐसे ऐसा करके आते बट ये थोड़ा सा मेथड बड़ा हो जाएगा इतना तुम क्या कैलकुलेट करते बैठे बैठोगे वन टू थ्री फर करके तो दस मिनट चला जाएगा या फिर तो इसको अवॉइड करना है ठीक है एटी द आंसर आ गया इसका बट ये वाले क्वेश्चन में क्या था ना थोड़ा सा जल्दी आंसर आ गया था इस वाले में बहुत टाइम लग रहा है पूरा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है तो एटी आ गया बट ये वाला क्वेश्चन अवॉइड करना है ठीक है ट्वेंटी नाइन्थ क्या करना है ट्वेंटी नाइन्थ वट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट विच अपेयर इन ऑल इन डिजट फ्राम टेन टू हंड्रेड टेन टू हंड्रेड अब ये क्वेश्चन भी देख के मुझे डर लगता है यार पता नहीं कैसे ही होगा ठीक है फिर मैंने ट्राई किया करना है तो कर सकते हो ठीक है इसमें ये वाला क्वेश्चन ईजी है, है थोड़ा सा उतना डिफ़िकल्ट है नहीं फिर मैं बस मैंने ट्राई करते जाता हूँ कि भाई हो जाए हो सकता है हो जाए टेन टू नाइनटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन थर्टी टू थर्टी नाइन नाइनटीन टू नाइनटी नाइन मैंने बस ऐसा लिख लिया कि भाई ये कुछ होगा ऐसे ऐसे टर्म्स इनका मेरे को एडिशन करना है तो अगर मैं फर्स्ट टर्म लूँ वन टू वन एलेवन ट्वेल्थ था उसमें वन कितने बार आएगा उसमें नौ बार दस बार वन आएगा तो वन इन टेन हो गया और वन टू नाइन का एक सम आएगा तो वन टू नाइन का मैंने सम किया तो फोटी फाइव ठीक है सेकंड में क्या आएगा टू 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 टेन टाइम्स आएगा टू इंटू टेन प्लस जीरो टू नाइन फोर्टी फाइव ठीक है तो ऐसे 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 कर दे थर्ड टर्म में थ्री टेन टाइम्स आएगा और, 45 और 9, प्लस फोर्टी फाइव आएगा और नाइन टर्म्स में नाइन टेन टाइम्स आएगा प्लस फोर्टी फाइव होगा और लास्ट का हंड्रेड टर्म बचा हुआ है मैंने इन सबको ऐड किया फोर्टी फाइव इंटू टेन प्लस फोर्टी फाइव इंटू नाइन प्लस वन ठीक है तो मैंने आट फिफ्टी सिक्स आंसर आ गया ठीक है अगर पहले नहीं सॉल्व किया तो उसको छोड़ देना वरना तुम कर सकते हो ठीक है अब ये क्वेश्चन ईजी है ठीक है ये वाला क्वेश्चन ईजी है पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना था ये वाला ईजी है ए बी सी डीज़ स्क्वायर वन पॉइंट ऑफ इच वन पॉइंट ऑन ईच ऑफ ए बी एंड सी डी एंड टू डिटिंग पॉइंट ऑन बी चूजन हाउ एन डिस्ट्रिंक्ट ट्राइंगल कैन बी ड्रॉ ऑन यूजिंग थ्री पॉइंट्स कुछ नहीं है इसमें क्या था थ्री पॉइंट्स अस वर्टाइस ठीक है छः पॉइंट में से तीन ये ए बी सी डी ट्राइंगल स्क्वायर मैंने जूम कर लिया ए बी पे एक पॉइंट लिया और ए डी पे ए डी और बी सी पे दो दो पॉइंट्स लिए ट्राइंगल के लिए तुम्हें बताया तीन पॉइंट लगते हैं ट्राइंगल बनाने के लिए ठीक है तो इन छः में से मैं कोई भी तीन पॉइंट लूँगा ट्राइंगल बन जाएगा तुम सोच के देख सकते हो कोई भी तीन पॉइंट लूँगा मैं अगर उठा लूँगा ट्राइंगल बन जाएगा सिर्फ सिंपली इतना क्या है सिक्स सी थ्री सिक्स फैक्टोल डिवाइड बाई थ्री फैक्ट्रल बाई सिक्स माइनस थ्री थ्री फैक्ट्री ट्वेंटी आंसर आ गया ठीक है जो भी यूपीएससी के बारे में यूपीएससी पी एस सी के लिए सीसार पड़ता है इतना उसको पता होता है इतना ही करना था सिक्स सी थ्री और आंसर आ गया हमारा इसमें कुछ नहीं करना ठीक है और कौन सा एक सेकेंड अरे कहाँ गए सारे सवाल छुप गए क्या मुझसे बाहर आओ हिम्मत है तो ठीक है आगे बाहर ठीक है आ ठीक है अब ये बॉक्स है ठीक है अब ये वाला बॉक्स यार अब पहले चीज इतना सारा बॉल डाल के रखे बॉक्स में रेड काले पीले नीले अब इस टाइप पोजन पता है क्यों अवॉइड करता हूँ दो चीज़ चेक करनी पड़ती है एक में तीन साढ़े तीन मिनट तो चला जाता है दो में छः मिनट चला जाएगा इससे समय कुछ ईजी वाला ढूंढ लूँ मैंने थर्टी सिक्स किया है क्या थर्टी सिक्स सीधा हटा दिया मैंने करना भी नहीं है क्वेश्चन ठीक है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है दो दो ऑप्शन चेक करना पहले वाले में तो बहुत ईजी था वो निकालने वाला ये वाला बहुत डिफिकल्ट होगा छोड़ दो यार ठीक है ईजी वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे इफ़ जीरो जीरोज़ रिटर्नज़ चुर देन हाउ इज़ प्लेयर रिटर्न ठीक है अब इसमें कुछ नहीं करना होता है कि भाई देखना होता है कि जेड से सी कब जाएगा तो ये भी इजी क्वेश्चन होता है जेड ए बी सी ठीक है तीन प्लस हो रहा है ई एफ जी एच आर पी क्यू आर एस टी यू प्लस थ्री प्लस थ्री हो रहा है प्लेयर का प्लस थ्री का तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा इजी है अब अब ये हाउ मेनी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है ये थर्टी एट क्वेश्चन भी है ना पता नहीं हो जाएगा बट यार यारमें तुमको बहुत सारे कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे क्या सिर्फ एक से आ रहा है क्या तीन से आ रहा है दो से आ रहा है ठीक है थर्टी एट क्वेश्चन मैंने ट्राई किया है थर्टी सेवन थर्टी एट मैंने ट्राई किया निकाल के देखा कि मैंने और पाँच की जरूरत पड़ रही है मुझे ठीक है बट अगर इसके बारे में तुम्हें आता है तो कर लो तुम्हारी मर्जी ठीक है बजा पे तुम्हें चेक करना पड़ेगा कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है तो ये थोड़ा सा दिमाग लग सकता है तुम देख लो इसको कैसे करना है क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है आती है तो आता है अब ये क्या है ये फैमिली के बारे में यार फैमिली प्रॉब्लम्स में बताया करो मुझे यहाँ पे प्लीज़ मेरा दिमाग खराब जाता है ये सफिशेंट टू आंसर सफिशेंट टू आंसर मेरा दिमाग खराब जाता है हाउ इज़ ई रिलेटेड टू बी अब इसमें मैंने देखो चार चारों स्टेटमेंट है ना कुछ तो बना के देखा इससे ईजी है मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है बट वो चार स्टेटमेंट चेक करने पड़ते हैं क्या बता ई रिलेटेड टू बी अब मैंने फैमिली ट्री बना के देखा ई और बी चाहिए मेरे को फ़र्स्ट में मेरे को ए और बी मिल रहा है सेकंड में डी और सी मिल रहा है थर्ड में ई और डी मिल रहा है ठीक है और फोर्थ में ई और सी मिल रहा है तो ई और बी ई और बी ठीक है मैंने फैमिली ट्री बना के देखा है इसमें कुछ नहीं था फैमिली ट्री बना के देखा और मैंने सोचा कि अगर एक भी ऑप्शन मिस रहा ना तो मैं ई और बी का रिलेशन नहीं बता पाऊँगा ठीक है तो बस hmm. इतना ही यार सॉरी मैं इसका आंसर मैंने इसका ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि थोड़ा इजी लॉजिकल था मुझे लगा कि एक भी ऑप्शन मिस हो गया तो मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा तो इसका आंसर है ऑल द स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी टू आंसर ठीक है तो इसलिए तुम कहीं और से देख सकते हो हाँ तो मैं सिर्फ ट्रिक्स वाले बता रहा था चूज द ग्रुप इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इस टाइप के क्वेश्चन में दो मिनट देखना है कुछ समझा ठीक है नहीं समझा आगे बढ़ो ठीक है हाँ थर्टी वन फोर्टी वन फिफ्टी थ्री सिक्सटी थ्री कुछ नहीं समझ में आ रहे हैं टेन टन का डिफरेंस लग रहा था फर्स्ट में फोर्टी फिफ्ट टेन ट्वेंटी थर्टी का डिफरेंस लग रहा था फिर बाद में वो भी नहीं है फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं समझ आ रहा है मुझे मैंने एक मिनट देखने की ट्राई किया बट नहीं समझ आ रहा छोड़ दो इसको ठीक है हमें सिर्फ इफेक्टिवली दस क्वेश्चन के आसपास करेक्ट करने और वो मिल जाएंगे तुम्हें कहीं से भी ठीक है अभी तो आधे ही पेपर पे आए हम लोग और आधा बाकी है ठीक है फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन ठीक है अब यहाँ पे प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू इन वन ईयर अब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं है एक प्रिंसिपल पी है अब इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपली मैं एज्यूम कर लेता हूँ यार पी सौ रुपये है अगर इसने पूछ दिया नहीं हुआ ना मैं अपने हिसाब से एज्यूम कर लेता हूँ पी एन क्यू प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू इन ईयर वन कंपाउंडेड हाफ ईयरली विद आर परसेंट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू इन वन वन कंपाउंडेड एनुअली विद एस परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट वट इज़ द वैल्यू ऑफ पी एन एस सॉरी आर एन एस की वैल्यू क्या है ठीक है तो मैं सिंपली एज्यूम कर लेता हूँ बस इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड ईयरली का क्या मतलब होता है और तभी ईजी है ठीक है तो मैंने सिम कर लिया पीस और सौ रुपये चलो ठीक है पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा था ट्वेंटी परसेंट कम्पाउंडेड सॉरी हाँ तो मैंने क्या आर को भी एज्यूम कर लिया ठीक है आर को मैंने ज्यूम कर लिया आर को मैंने लिख दिया टेन परसेंट होगा ठीक है ठीक है पहले क्या था कंपाउंडेड आरली एनुअली हाफ ईयरली विथ आर परसेंट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मतलब अगर आर परसेंट एनुअली लिखा हुआ है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब ट्वेंटी परसेंट जो मैंने एज्यूम किया है वो है ट्वेंटी परसेंट एनुअली बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब हर छः महीने में दस दस परसेंट उसको मिल रहा है ठीक है मतलब आर बाई टू हर छः महीने में आर बाई टू उसको कंपाउंड हो रहा है तो मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है आर की वैल्यू मैंने जूम कर ली ट्वेंटी ठीक है हाँ आर की वैन ट्वेंटी जूम कर ली और हर छः महीने दस दस परसेंट मिल रहा है उसको ठीक है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी वन ट्वेंटी वन व जो फॉर्मूला होता है ना वो लगा देना तुम ए वन प्लस आर बाय हंड्रेड रेस्ट दिन ठीक है तो प्रिंसिपल तुम्हें हंड्रेड वन प्लस क्या होता है वन प्लस टेन बाय हंड्रेड रिश्ते पा टू ठीक है तो ये लगा दूगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मला तो सिंपली मिल जाएगा कि अरे कहाँ गए भैया जी कहाँ चले गए अरे सर जी आ जाओ यार हाँ हमें तो सिंपली मिल जाएगा कि अगर दस दस परसेंट का दो बार इंटरेस्ट मिला छः छः महीने पे तो तुमको वन ट्वेंटी वन रुपीज़ मिलेगी अब दूसरा है कि भाई उसने बोला कि भाई सेम वन आ, सेम अगर बीस परसेंट का इंटरेस्ट मिला तुमको और वो भी साल भर के लिए और इसने कहा सिंपल इंटरेस्ट राइट ठीक है सिंपल इंटरेस्ट सेकंड फर्स्ट कंपाउंड था कंपाउंड एनुअली वर्स अरे क्या है ये पी बिकम्स क्यू इन वन ईयर विद कम्पाउंड हाफ ईयरली आर परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यू इन वन ईयर विद कंपाउंड एनुअली अच्छा विद एस परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एस को अगर मैंने ट्वेंटी ज्यूम किया ठीक है तो यहाँ पर कितना 20, 20 हो रहा है साल भर में ट्वेंटी ट्वेंटी से वन ट्वेंटी हो रहा है ठीक है क्योंकि एक साल में कंपाउंडेड एनवली का ट्वेंटी से ट्वेंटी क्या फाइनल क्या बोला पी अच्छा सेम प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू इन वन ईयर अच्छा मतलब फाइनल वैल्यू सेम ही हो रही है तो फाइनल जो वन ट्वेंटी वन ही बनना चाहिए उसको उसने कहा फाइनल वैल्यू जो सेम हो रही है बट एस से कितना होगा तो एस अगर मैंने सिर्फ ट्वेंटी परसेंट रख देगा चलो आर इज गो टू एस मान लिया मैंने अभी तो एक साल में कितना होगा अगर ट्वेंटी परसेंट एनुअली होता तो एक साल में डायरेक्टली बीस परसेंट हो जाता उसका बढ़ जाता ठीक है कंपाउंडेड अगर एक साल के लिए तो सिंपल की तरह काम करता है तो वन ट्वेंटी होता ठीक है बट उसका उसको, उसको वन ट्वेंटी वन चाहिए तो एस से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था ठीक है तुम समझ रहे हो थोड़ा सा अगर एस से ज़्यादा होती इंटरेस्ट रेट थोड़ा इससे ज़्यादा होता तो वन ट्वेंटी वन बनता तो मुझे समझ गया यार एस से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए तो एस ग्रेटर देन आर ठीक है बस वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया मुझे इसलिए वरना क्वेश्चन बहुत ईजी है हाउ मै नैचुरल नंबर सा देर वेच केव रिमेंटर थर्टी वन 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 एट सिक्स डिवाइड बा नेचुरल नंबर फिर वही क्वेश्चन है कि कितने नेचुरल नंबर आएंगे अब एक भी पॉसिबिलिटी मिस होगी ना इसमें तो आंसर गलत हो जाएगा छः का सात हो जाएगा सात का आठ हो जाएगा मैं इसको छूटता नहीं हूँ छोड़ देता हूँ यहाँ भी मैंने किया है कि ट्राई किया तो कुछ एक दो डिवाइड करके बैठन मतलब छोड़ो यार इस फालू क्वेश्चन नहीं हो रहा है ठीक है फोटी सिक्स क्वेश्चन ये क्या चीज़ है यार फिर से कुछ ताजीब आ गया किया है क्या मैंने क्वेश्चन फोर्टी सिक्स ये फिर से ना वही दो दो ऑप्शन आ गए इसमें मैं करता हूँ कि द पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यूज सिक्स फोर्टी सेवन मैंने किया है क्या फोर्टी सेवन में फिर से नहीं किया हुआ है सॉरी फोर्टी सिक्स नहीं किया हुआ है ऑब्वियसली नहीं किया तो वो एवं तो थ्री फोर फाइव क्या लिखा हुआ है मतलब ट्राई कर रहा था पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी इज़ फाइव पॉसिबल वैल्यू क्यू सिक्स बट यार फिर बहुत बड़ा हो रहा था मैं मतलब छोड़ो पी क्यू की वैल्यू लेनी पड़ेगी पॉसिबल वैल्यूज निकालने पड़ेंगी पी क्यू पॉसिबल वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव आ रही थी क्यू की वैल्यू अलग से निकाल नहीं जा रहा था दो स्टमेंट इसलिए मैं अवॉड करता हूँ एग्जामिनेशन लाइक कंडीशन में अलग छोड़ो यार मैं देखना हो कहीं और देख लेना हो कोई तो कोचिंग निकाला होगा बट यहाँ पर मैं एग्जामिनेशन लाइक कंडीशन में कैसे अटम्प्ट करना दिखा रहा था तो इसलिए मैं छोड़ता हूँ इस क्वेश्चन को बट इज समा फॉल्ट फोर डिजिट नंबर अब समाफॉल्ट फोर डिजिट नंबर लेस दैन टू थाउजेंड फॉर्म बट डिजट वन टू थ्री फोर वेर नन ऑफिस डिज इट इज़ रिपीटेड अब यार ये भी बहुत बड़ा हो जाता है फिर सारे नंबर लिखने पड़ते हैं एक साथ मैं बोला कोई इजी क्वेश्चन दोनों आर मुझे दस बारह अटैम्प्ट करने फोर्टी सेवन को मैंने किया हुआ है फोर्टी सेवन्थ में फिर से नहीं किया हुआ ट्राई किया है और वही यार बहुत बड़ा हो जा रहा था क्या क्या करते बैठूँ कहाँ कहाँ से ऐड करते बैठूँ एक दो नंबर गलत हो इधर उधर होगा आंसर गलत हो जाएगा मैं सिंपल मैं देखता हूँ कि भाई इसके ऑप्शन सिंपल हो ना तीन ग्यारह बारह चौदह हाँ ये हो सकता है बट ए ऑप्शन बहुत ज़्यादा कुछ कचरा हो तो मैं छोड़ देता हूँ और दो ऑप्शन हो तो फिर मुझे लास्ट प्रायोरिटी होती है क्योंकि दो सॉल्व करना पड़ता है एक आंसर निकालने के लिए अनलेसन एंडिल बहुत सिंपल क्वेश्चन है वट इज़ दंबर सिलेक्शन ऑफ टेन कंजीक्यूटिव थिंग आउट ऑफ फेल थी इन सर्कल टेकन एंड क्लॉक डायरेक्शन ये काफी अच्छा आसान क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं मैंने सिर्फ सर्कल बना बारह लोग बैठे हुए हैं उसमें का उसने कहा कि भाई तुम्हें टेन कंजीक्यूटिव लोगों को चुनना है उसमें से ठीक है इन ए क्लॉक डायरेक्शन अगर वो क्लॉक नहीं पूछता तो मैं क्लॉक प्लस एंटी क्लॉक दोनों निकालता बट इसने क्लॉक दे दिया तो मैंने बारह लोग को बैठाया सबको रोल नंबर दिया था वन टू तो ट्वेल्व अब उसने बोला दस कंजुटिव लोगों को जुड़ना है तो मैंने पहले वन से दस गिना वन से टेन फिर टू से एलेवन फिर थ्री से ट्वेल्व ऐसे ऐसे कैसे करके मैं कहाँ तक जा सकता हूँ फाइनली फाइनली ट्वेल्व टू तो मैं नाइन जा सकता हूँ ठीक है ट्वेल्व टू तो नाइन जा सकता हूँ उसके बाद अगर मैं फिर वन पे आ जाऊँगा तो वन टू तो ट्वेल्व हो जाएगा जो कि रिपीटेड हो जाएगा तो मैं वन से लेकर ट्वेल्थ तक स्टार्टिंग में वन से कर सकता हूँ और स्टार्टिंग और फिर एंडिंग में ट्वेल्थ से कर सकता हूँ ट्वेल्थ से लेकर नाइन तक इतने मेरे पास पॉसिबिलिटी हो गई तो कितने नंबर हो गए वन से शुरू किया मैंने ट्वेल्थ तक गया वन से ट्वेल्थ ट्वेल्थ ट्वेल्ल पॉसिबल वेज में जा सकता हूँ मैं ठीक है तो इसका आंसर कुछ नहीं कर सकता ट्वेल्व आंसर सीधा आ गया यहाँ पे तो फोर्टी एट क्वेश्चन बहुत ही सी था तो इसमें कुछ करना ही नहीं था ठीक है इफ़ टूडेज संडे वट इज विच इज एक्जैक्टली ऑन टेन रच फॉर टेंथ डे अब ये क्वेश्चन तुम्हें तो देख के डिफिकल्ट लग सकता है कि यार वन से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे छोटा आंसर है बट तो तुम्हें देख के डिफिकल्ट लगेगा यार कि पता क्या क्या पता आएगा नहीं आएगा बट अगर थोड़ा सा तुम सोचो कि पेशेंस रखो और करने की कोशिश करो तो आ जाएगा तुम्हें इतना पता है कि अगर कोई डे रिपीटेड होता तो डिवाइड मतलब तो तुम्हें पता है ना कि अगर बोला होता कि आज संडे है और तुम ट्वेंटी फाइव डेज बाद कितने दिन हो कौन सा डे होगा वो बताओ तो तुम सीधा करते हो ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई सेवन करते सेवन थ्री या ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव फोर रिमांडर बचा तो संडे में तुम चार ऐड कर देते मंडे ट्यूजडे मनजे थर्सडे इतना तुम्हें आता है ठीक है इतना तुमने पढ़ा होगा नहीं पढ़ाओ तो पढ़ लेना हाँ बाकी रिकॉर्ड हो रहा है ना बिल्कुल ठीक है अब टेन पर टेंथ डे अब तुम्हें टेन पर टेन को टेन सेवन से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके जो रिमाइंडर रहेगा वो तुम्हारा आंसर होगा ठीक है तुम्हें लग रहा है बहुत डिफिकल्ट बट मैं ठहरा पागल इंसान तो मैं बैठ के बोला चलो करके हैं यार कितना बड़ा होता है ये तो यहाँ पे बस हमें यही देखना था कि टेन रिजॉट टेन को सेवन से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा ठीक है तो मैं बोला चलो डिवाइड करके देखते हैं क्योंकि छोटा सा बस डिवीजन है डिवीजन अगर हो गया तो हमारा आंसर आ जाएगा तो डिवाइड करके देखें आप टेन रिस्पार्ट टन को सेवन से थोड़ा सा डिवीज़न लंबा गया दो मिनट लग गए बट मेरा आंसर फाइनल है चार तो मेरा चार रिमाइंडर बचा तो क्या था वहाँ पर संडे प्लस संडे प्लस फोर कितना होगा मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे संडे प्लस फोर थर्सडे कुछ नहीं था यहाँ पर टेन रेस्पाट टेन का बस डिवाइड बाय सेवन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था डिफ़िकल्ट क्या था मतलब थोड़ा सा लंबा जा रहा था बस और कुछ नहीं यहाँ पे ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन करना था फोर्टी नाइन फिफ्थ फिफ्टी एथ क्वेश्चन ऐसा देख के बहुत बड़ा लगेगा बट ऐसा है कि चलो ऑप्शन ईजी है यहाँ पे और कुछ नहीं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए गए इसमें सिर्फ थर्टी नाइन सिक्सटी और ट्वेंटी फाइव इनका एल सी हम निकलना था तुमने पढ़ा होगा ना कभी तीन बुलेट फायर करते हैं यहाँ से एक बुलेट फायर किया दूसरी बुलेट दूसरे इतने इंटरवल फायर किए तीसरी बुलेट इतने इंटरवल में फायर की तो कौन सा ऐसा इंटरवल होगा जब तीन बुलेट सेम टाइप पे फायर हो गई या फिर ट्रैफिक लाइट ऑन ऑफ होते हैं कौन से टाइम पे तीनों सेम टाइम ऑफ हो गए ठीक है तो ये सारे क्वेश्चंस में हमको सिर्फ एलसीएम हम निकालना पड़ता है यहाँ भी सेम चीज़ है क्वेश्चन पढ़ लेना सिर्फ एलसीएम निकालना ट्वेंटी फाइव थर्टी नाइन सिक्सटी का ये इजी क्वेश्चन है ठीक है बस सेकंड सेकंड में दिया हुआ है तो ये बात थोड़ा सा देख लेना तो पहली जो भी थी वो चीज़ एट टू दे टर्न ग्रीन टुगेदर तो दो पे हुई नेक्स्ट ग्रीन कब होगी ठीक है ठीक है तो यहाँ पर बस इनका एलसीएम निकालना है और कुछ था नहीं यहाँ पे एल निकालना तो सब छोटे बच्चों को भी आता है अरे यार कहाँ भाग है यार है सवाल एक सेकेंड एक सेकेंड रुक जाओ बाबू अबे मस्ती नहीं मस्ती नहीं मस्ती नहीं मस्ती नहीं, नहीं। कहाँ चलो गया फोर्टी एथ क्वेश्चन के आसपास थे हम एक सेकेंड रुक जाओ आया क्या फिर से नहीं है अरे कहाँ गया हाँ ये फोर्टी नाइन क्वेश्चन के आसपास थे हम तो यहाँ पे सिर्फ हमको एलसीएम निकालना था ट्वेंटी फाइव थर्टी नाइन सिक्सटी का मैंने एलसीएम निकाला बहुत मेहनत से थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड आ गया तो थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड क्या है ये सेकंड्स है सॉरी मिनट्स है मिनट्स में आ गया फिफ्टीन ट्वेंटी क्या था यहाँ पे थर्टी नाइन सेकेंड्स अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फिफ्टीन इंटू थर्टीन इंटू फोर इंटू फाइव इंटू थ्री तो ये आ गया टू सिक्स डबल ज़ीरो प्लस वन था मतलब थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड आंसर आ जाएगा इसका थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेकंड्स हो गए ठीक है तो इसको पहले मिनट में कैलकुलेट किया मैंने थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड बस सिक्सटी किया फिर उसके बाद और और मैंने सिक्स से डिवाइड कर ताकि वो आर में आ जाए थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड मिनट गलत लिखा हुआ सैकेंड से ठीक है तो मेरा आंसर आया कुल मिला के वन थ्री बाय थर्टी सिक्स आर मतलब वन वन बाय ट्वेल्व आर ठीक है तो वन वन बाय ट्वेल्व आर मतलब वन आर और टेन मिनट्स ठीक है तो यहाँ पर कितना हुआ है सॉरी दो वन आर टेन मिनट क्या सो आर टेन मिनट होना चाहिए ना आए गलत क्या कर रहा हूँ मैं टू आर वन टू वन बाय सिक्स आर होगा जो भी आ रहा है तुम तो इसको डिवाइड करके देखना यही आंसर आएगा टू वन बाय सिक्स आएगा थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड डिवाइड बाय थर्टी सिक्स ये क्या आ रहा है वन बाय वन वन, वन बाय ट्वेल्व क्यों आ रहा है अच्छा सॉरी सॉरी हाँ तो वन वन बाई ट्वेल्व आया मेरा पहला आंसर तो मतलब वन मिनट वन वन आर और टेन मिनट के आसपास ना सिक्सटी डिवाइड बाई ट्वेल्व कितना होता है सॉरी फाइव मिनट्स वन आर फाइव मिनट के आसपास आया सॉरी वन आवर फाइव मिनट आए तो मैंने देखा वन आवर फाइव मिनट से आंसर आता है क्या तो मैंने देखा चलो आ, दो मतलब तो तीन बज के पाँच मिनट पर तीन बज के पाँच मिनट तो है ही नहीं तो हो सकता है कि फर्स्ट इंटरवल पे ना वो सेकंड इंटरवल पे हुआ मेरा दिमाग चमका पहले मुझे तीस सेकंड में भी कंफ्यूज हो गया था जैसे अभी हुआ ठीक है तो ऐसे इस, इसलिए मैं तुम देख सकते हो कि मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आऊँ जैसे लग रहा है वैसे बोल रहा हूँ तो मैंने सोचा कि भाई हो सकता है कि भाई दूसरी बार मैं आ रहा हूँ तो वन आर ट्वेल्व इनको टू किया एक घंटा पाँच मिनट का तो दो घंटा दस मिनट हो गया ठीक है तो नेक्स्ट दो घंटा दस मिनट बाद होगा दो बजे से दो घंटा दस मिनट बाद कितना हो चार बजकर दस मिनट पर तो ये क्वेश्चन ईजी था हाँ बट ये सेकंड वाला पार्ट था थोड़ा सा ट्रिकी था इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि भाई फर्स्ट इंस्टेंट छोड़ के सेकेंड इंस्टेंस भी दे सकता है वो ठीक है तो ये हो गया और अब देखते हैं अभी कुछ और क्वेश्चन बच्चों पर हमारे पास फोर्टी एथ क्वेश्चन चाइल्ड है उसके पास रिंग पास कर रहे हैं वो लोग एक फर्स्ट को पास कर रहा है फिर सेकंड को पास कर रहा है फोर्थ को पास कर रहा है मतलब ये एक को एक को पास नहीं कर रहा है थोड़ा बीच में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है ठीक है अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है ठीक है फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन अब ये क्वेश्चन फोटी फिफ्टी फोर्थ ना फिफ्टी फोर्थ मैंने किया है सॉल्व फिफ्टी फोर्थ मैंने सॉल्व किया हुआ है एस एन इजल टू एन बाई टू निकाल के करना पड़ता है आंसर फिफ्टीन आया है मेरा बट ये अगर एग्जामिनेशन कंडीशन में होता तो मैं सॉल्व नहीं करता क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है ना घर पर सॉल्व करने में तो हो जाता है इसमें कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ वहाँ पर थोड़े हरे नहीं बताता हूँ कहीं और देख लेना या फिर बता देता हूँ बहुत ही ब्रीफली बताऊँगा क्योंकि समझाना डिफिकल्ट टाइम टेकिंग है फर्स्ट के पास थी फिर सेकंड के पास गई फिर आ, फिर फोर्थ के पास गई तो बीच बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है पहले वन का डिफरेंस था फिर दूसरे दो का डिफरेंस था फिर उसके बाद तीन का डिफरेंस था चार पाँच छः सात तीन का डिफरेंस आया ठीक है और तब एक के डिफरेंस पर फिर दो के डिफरेंस तीन के डिफरेंस ऐसे ऐसे पास होता जाएगा तो फाइनली वन के पास तब आएगा जब जो मैक्सिमम नंबर कितना था फोर्टी इनके पास थे तो अगर जो डिफरेंस होगा इनके बीच में जब डिफरेंस मैं ऐड करूँगा वन प्लस थ्री प्लस फोर ये अगर फोर्टी का मल्टीपल होगा तो वन के पास वापस आएगा ठीक है तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस अन माइनस वनी टू डी तो एस एन सम फोर्टी होना चाहिए एटी होना चाहिए एन बाई टू टू ए प्लस अन माइनस वनी टू डी मैंने करके देखा कि भाई फोर्टी पे आ रहा है नहीं आ रहा है सिक्स एटी पे आ रहा है सॉरी फोर्टी पे आ रहा है एटी पे आ रहा नहीं आ रहा है वन सिक्सटी पे आ रहा नहीं तो आ रहा फिर फाइनली टू फोर्टी पे आया वो ठीक है तो टू फोर्टी पे फिफ्टीन इन सिक्सटीन है जो कि ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा था तो इसलिए मैंने कहा ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा सा ट्रिक है इसलिए मत करना ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन लाइक कंडीशन में ठीक है ये तो मैंने सिर्फ बता दिया वो बहुत अच्छे से नहीं बताया मैंने फिफ्टी फिफ्थ क्वेश्चन देखना है अब ये क्वेश्चन देखिए मिडिल टर्म ऑफ द स अब ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस अगर एग्जामिनेशन में है तो मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करने की कोशिश करूँगा क्योंकि बहुत बड़ा टर्म है फिर भी मैं समझा देता हूँ कैसे होता है बट ये बहुत अच्छे नहीं से नहीं समझाऊंगा थोड़ा सा समझाऊँगा किया था मैंने इसका आंसर आ गया बट वो ये कि बहुत बड़ा आंसर हो रहा है ठीक है कुछ भी एक भी इधर उधर गलत हुआ तो उसका आंसर गलत हो सकता है पहले मैंने देखा कितने टर्म्स है इसके पास पहली टर्म दो है फिर तीन है फिर चार है फिर पाँच है फिर ट्वेंटी सेवन ऐसे टर्म्स है मतलब टोटल अल्फाबेट ट्वेंटी सिक्स होता है तो ये टर्म जाएंगे टू थ्री फोर फाइव ट्वेंटी सेवन तक जाएगी तो पहले मैं मिडिल टर्म मुझे निकालना कौन सा तो मडल टर्म पहले पता होना चाहिए कौन सा है तो ट्वेंटी सेवन तक मैं सम कर लेता हूँ टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव तक ट्वेंटी सेवन तक तो मैंने जो सम किया वो है फोर जीरो फाइव एस एन एज इक्वल टू एन बाई टू टू प्लस एन माइनस वैन टू डी सबको पता है फोर जीरो फाइव है अब मैं मिडिल टर्म जो निकलेगी वो ऑलमोस्ट टू जीरो टू के आसपास होगी ठीक है टू जीरो टू मिडिल टर्म होगी ठीक है तो मैं देखता हूँ कौन सी टर्म तक का सम टू जीरो टू आता है ठीक है मिडिल टर्म वो होगी तो मैंने पहले वो देख लिया तो सम एस एन इज इक्वल टू बा एन बाई टू टू ए तो टू ही है बी प्लस एन माइनस वन टू डी कौन सा एन वहाँ पे है जिसमें टू जीरो टू टू जीरो टू तक सम आता है ठीक है तो मैंने एन निकालने की कोशिश किया तो मेरा एन जो आ रहा था ना वो नाइनटीन पॉइंट समथिंग आ रहा था ठीक है नाइनटीन पॉइंट समथिंग मतलब जो नाइनटीनथ नंबर है वो रिपीट हो रहा है वहाँ पर ठीक है ये मुझे समझ गया इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगा ना इसलिए एग्जामिनेशन में इसको नहीं करना ठीक है तो मैंने और शुरुआत जेड से हो रही थी तो मैंने पूरा ए बी सी डी जेड तक लिखा उल्टा और जेड से नाइनटीथ टर्म कैलकुलेट किया तो वो आई निकला ठीक है तो ये बड़ा मेथड हो गया इसमें टाइम लगेगा इसलिए बोल रहा हूँ ये वाले को थोड़ा सा अवॉइड करना है फिफ्ट इज़ पी ग्रेटर देन क्यू पी इंटू क्यू इज़ ग्रेटर देन जीरो पी स्क्र ग्रेटर देन क्यू स्क्वायेयर अब अब ये क्वेश्चन भी हो ही है कि इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकता हूँ दो ऑप्शन है इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें हेजिरेट करता हूँ सॉल्व करने के लिए बट यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन ना कि पी इंटू क्यू और पी स्क्र ग्रेटर देन क्यू स्क्र और स्टेटमेंट से मुझे पता लगाना है कि पी ग्रेटर देन क्यू है क्या पी इंटू पी इंटू क्यू इज़ ग्रेटर देन जीरो तो ग्रेटर देन जीरो है तो हो सकता है दोनों पीअर क्यू नेगेटिव हो दोनों पी र क्यू पॉजिटिव हो कुछ भी हो सकता है तो मैं डायरेक्टली ये नहीं बता सकता इससे मैंने यही एज्यूम किया यहाँ पे अगर पी को पॉजिटिव लिया क्यू को नेगेटिव लिया पी नेगेटिव क्यू पॉजिटिव है चारों ट्रेशन में लेके देख ली तो क्या फर्स्ट अगर पी इन क्यू किया मैंने तो नेगेटिव टर्म आ जाए तो मैं नहीं बता सकता क्या था यहाँ पे हाँ पी इन टू क्यू ग्रेटर दन जीरो पी इं क्यू मतलब पी और क्यू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं पी और क्यू पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है तो मैं ये नहीं बता सकता एक्चुअली बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है ठीक है तो फर्स्ट से मैं कुछ नहीं बता सकता और सेकेंडली पी स्क्वायर ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर हाँ बट अगर ये बोल रहे हैं कि पी स्क्वायर ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर है ठीक है बट यहाँ पे भी अगर पी मैंने माइनस में ले लिया और क्यू भी माइनस में ले लिया अब पी ये समझ लो मैंने माइनस फाइव लिया क्यू माइनस थ्री लिया तो पी स्क्र करूँगा तो फाइव का स्क्वायर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव क्यू स्क्वायर स्क्वायर करूँगा तो वो हो जाएगा नाइन तो p ग्रेटर देन तो नहीं आएगा उसमें समझ नहीं आएगा और अगर p प्लस फाइव लिया q प्लस फाइव लिया मैंने तब भी पीस कर वेटर दन की यूज आ जाएगा और पी इंटू क्यू पॉजिटिव हो जाएगी फर्स्ट और सेकंडमेंट दोनों सेटिसफाई कर रहा है अगर पी क्यू मैंने माइनस माइनस लिया और पी क्यू मैंने प्लस प्लस लिया तो, तो इससे मैंने देखा है दोनों में से मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने माइनस सिक्स माइनस फोर लिया और प्लस सिक्स प्लस फोर लिया तो दोनों इक्वेशन सेटिसफाई कर रहे हैं वो दोनों ठीक है तो यार मैं बोला दोनों इक्वेशन दोनों टर्म सेटिसफाई कर रहे तो मैं नहीं बता सकता कौन सा एक्चुअली बड़ा है कौन सा एक्चुअली छोटा है ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा सॉल्व होता था तो इसमें ऐसा लगे कांट बी आंसर यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट अब पी प्लस क्यू मानस आर आर ग्रेटर देन ये पी माइनस क्यू इज़ पॉजिटिव क्यू पी माइनस आर इज़ नेगेटिव ये वाली चीज़ है अब इसमें मैं सेम टाइप की चीज़ करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा है कि छोटा था इसलिए मैंने अटेंड करने की कोशिश किया इसको ठीक है अब पी प्लस क्यू माना सार ग्रेटर देन पी माइनस क्यू प्लस आर लिखा हुआ है यहाँ पे तो मैंने सीधे सीधा लिख लिया जो इक्वेशन दी हुई है पहले से अब इसको मैंने सॉल्व किया पी को पहले काट दिया तो ये जो है क्यू ग्रेटर देन आर ठीक है तो ये इक्वेशन क्या किया क्यू ग्रेटर देन आर अच्छा इस q ग्रेटर देन है ये बताना तुमको क्या q r से बड़ा है फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है पी माइनस क्यू इज़ पॉजिटिव पी माइनस क्यू इज़ पॉजिटिव तो p माइनस क्यू इज़ पॉजिटिव तो मैंने p को क्यू फोर ले लिया q को टू ले लिया सेकंड मैंने स्लैश कर लिया दूसरा कोई नंबर भी ले लेते हैं भाई तो p को मैंने सिक्स ले लिया q को वन ले लिया ऐसे कुछ रैंडम नंबर उठा लिया और फिर दूसरा तीसरा था यहाँ पे पी माइनस आर एस नेगेटिव मतलब आर बड़ा है पी से ठीक है तो मैंने आर को पी से बड़ा छः ले लिया और दूसरे में आर को पी से बड़ा सात ले लिया ठीक है अब मैंने सॉल्व करके देखा कि और फिर मैंने देखा फर्स्ट से क्या क्यू ग्रेटर देन आर है तो मैं बता सकता हूँ क्या क्यू ग्रेटर देन आर है क्या नहीं है ठीक है मैं सीधा सीधा बता सकता हूँ क्यू आर बड़ा है ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट में देख लेता है इस क्यू ग्रेटर देन आर नहीं नहीं है ठीक है दोनों इक्वेशन मेरे जो मतलब दोनों जो मैंने जमशन लिया था वो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं कि क्यू ग्रेटर दाना नहीं है क्यू ग्रेटर दाना नहीं है तो मुझे दोनों इक्वेशन चाहिए ठीक है अगर मेरे पास सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन होती तो मेरे पास आर होता ही नहीं और सिर्फ सेकेंड इक्वेशन होती तो मेरे पास पी और क्यू नहीं होता तुम्हें रिलेशन कैसे बता पाता ठीक है तो मैं सब थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ कि हाँ यार ये कुछ लॉजिकल बातें तो कर रहा है ये हम कुछ नंबर एज्यूम करके कर सकते हैं अगर तुम्हें इतना में भरोसा नहीं होता तो तीसरा नंबर को ही लेकर देख लो पी क्यू आर की रैंडम नंबर वैल्यू ज्यूम कर एज्यूम करनी है और देखना है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कोई भी पी क्यू आर की वैल्यू ले लो सेटिस्फाई कर जाएगा तो मैं लगेगा कि हाँ भाई दोनों क्वेश्चन में बता सकती हूँ कि क्यू ग्रेटर देन आर नहीं है ठीक है ये इक्वेशन जो है वो गलत है इस क्यू ग्रेटर देन आर नो क्यू इज़ नॉट ग्रेटर देन आर ठीक है तो इसमें मुझे इतना था फिफ्टी एथ क्वेश्चन क्या है इन पार्टी सेवेंटी फाइव परसेंट टुक टी सिक्सटी कॉफी फिफ्टीन टुक पोथ्री नो वन टेक्स मिल्क नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स दर्सन टेक एटलीस्ट वन ड्रिंक हाउ मैनीसन अटेंड द पार्टी पचास नेम दूध लिया है क्या लिखा हुआ है इसमें मैंने कैसे किया हुआ है फिफ्टी एथ कहाँ गया फिफ्टी सेवेंथ ये मैंने नहीं किया हुआ है फिफ्टी एट फिफ्टी एट छोड़ा हुआ है मैंने नंबर परसन दाइम फाइव टाइम नंबर टुक मिल ओनली ये भी हो सकता था बट वो ये कि यहाँ पे सेवेंटी फाइव परसेंट मिल्क है कॉफ़ी है और इसमें दो दो डेटा चेक करने हैं पी क्यू की वैल्यू में कुछ अज्यूम नहीं कर सकता हूँ इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा फिर कौन से क्वेश्चन से मैं कौन से स्टेटमेंट से मैं एक्चुअली इसको सॉल्व कर सकता हूँ ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि यार मैं एक्चुअली क्या दो स्टेटमेंट सही है एक गलत है कौन सा सही है कौन सा गलत है और क्वेश्चन भी ऐसा पहली बार पड़ा हुआ है तो मैं अवॉइड करूँगा इसको ऊपर वाले क्वेश्चन ऐसा था कि पी क्यू आर क्यूच आलू डाल के मैं निकाल सकता हूँ बट यहाँ पे मेरे लिए डिफिकल्ट हो होगा थोड़ा सा तो मैं एग्जामिनेशन में नहीं करूँगा कंसिडर थ्री डिजिट नंबर अब यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट है और अभी बड़े बड़े स्टेटमेंट है ऊपर वाले दो मैंने इसे लोग सॉल्व किया था क्योंकि छोटे छोटे स्टेटमेंट थे ठीक है तो मैंने कहा था कि छोटे स्टेटमेंट अगर तुम कर सकते हो तो कर लो ये बड़ा स्टेटमेंट है सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट सम द सम इज डिविजिबल बाय द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर अभी कौन सा नंबर है वॉट इज़ द नंबर अभी ये भी मुझे एक्चुअली नहीं पता है कौन सा नंबर है क्या निकालू कौन से कौन से एज्यूम करूँ कितना क्या एज्यूम करूँ तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा ठीक है सिर्फ वन से आंसर हो रहा सिर्फ टू से आंसर हो रहा बोथ से आंसर हो रहा है ऐसे कोई स्पेसिफ़िक वैल्यू आंसर होता तो फिर मैं निकाल लेता बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो मैं इसको भी छोड़ूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ दस से बारह सवाल सही करने हैं ठीक है फाइव चिल्ड्रेन ए बी सी डी ई एनी टू सक्सेसिव एज डिफ़र बाई टू ईर्स ठीक है ये दिया हुआ है वॉट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड ठीक है सबसे छोटे का एज क्या है अब ये ये क्वेश्चन है कि चलो ठीक है तो छोटे छोटे दो ऑप्शन दिए हुए छोटे छोटे दो इक्वेशन बनेंगे मेरा हो सकता है सॉल्व ए बी सी डी ये तो दिया हुआ है ना यंगेस्ट चाइल्ड द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज थ्री टाइम देंगेस्ट ठीक है तो ए की वैल्यू द एवरेज ऑफ द चिल्ड्रन इज़ एट ईयर्स और एनी टू सक्सेसिव एज डिफर बाय टू ईर्यस दो साल ही डिफर कर रहे हैं ना तो मैं यहाँ ये करता हूँ तो दो दो साल डिफर कर रहा हूँ मतलब ए अगर दो का है तो बी अगर चार का है छः का है आठ का है दस का है ठीक है अब मुझे एक्चुअली नहीं पता ना दो चार छः आठ दसेंगे के कोई तुम जो एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है मैं एजूम कर लूँगा तो गलत हो जाएगा ना तो मैं सिर्फ नंबर ज्यूम कर लेता हूँ तो मैंने ए बी सी डी की वैल्यू क्या जीम किया वो देखो ए की वैल्यू मैंने जीवम कर लिया ए बी सी डी की वैल्यू ए माइनस फोर ए माइनस टू ए प्लस टू ए प्लस फोर ठीक है ये मैंने रज्यूम कर लिया सी ठीक है ए बी सी डी की वैल्यू या फिर तुम एक्स ले सकते हो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है ए ए तुम कन्फ्यूज मत करना है यहाँ पे ठीक है तो पहले की वैल्यू ए माइनस फोर है दूसरे की वैल्यू ए माइनस टू है तीसरे की तीसरे की एजे है फोर्थ की ए प्लस टू ए प्लस फोर ठीक है अब उसने फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है कि द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज थ्री टाइम द यंगेस्ट एल्डेस्ट क्या होगा ए प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री टाइम ए माइनस फोर तो मैं एक की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ एक ही इक्वेशन से सही बात है भाई ए यहाँ पे वेरिएबल तो निकाल सकता हूँ सेकंड स्टेटमेंट क्या रहा था एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज एट ईयर्स एवरेज एज अब मैंने ये वाली पॉइंट इसलिए लिया था ना क्योंकि इसमें जो एवरेज आता है ये ए पी का टर्म है एवरेज ए पी के एवरेज में जो मतलब ए पी के टर्म में जो एवरेज होता है वो मडल टर्म होता है तो एज इक्वल टू एट डायरेक्टली तो मैं मिडल सो तो मैं आखिरी के बच्चे का एज निकाल सकता हूँ और फर्स्ट टर्म से भी आखिरी के बच्चे का एज निकाल सकता हूँ ठीक है और अगर तुम्हें तो ऐसा नहीं आ रहा तो तुम कुछ भी ले सकते हो एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस एट तुम निकालोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारे लिए इजीली तुम ये देख सकते हो कि दोनों स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है कुछ नहीं था बहुत सिंपल क्वेश्चन है ठीक है तो ये वाला हो सकता था ठीक है इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना था ही नहीं तो ऐसे ही, बड़े क्वेश्चन वैसे भी मैं सॉल्व करवा नहीं रहा हूँ क्या यार क्यों सॉल्व करके तो एग्जामिनेशन में कोई से थोड़ी प्राइस वाइज मिलने वाला है ठीक <coughs> है इन एग्जामिनेशन मैक्सिमम मार्क्स कोड बाय मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द फोर पेपर पी क्यू आर एस आर हंड्रेड सौ सौ नंबर के पेपर है मार्क्स कोड बाय द स्टूडेंट आर इन इंटीजर्स ठीक है स्टूडेंट कैन स्कोर नाइन्टी नाइन परसेंटाइज परसेंट इन डिफरेंट वेज वट इज द वैल्यू ऑफ एन कितने वेज में वो नाइन्टी नाइन नंबर स्कोर कर सकता है अब यार वही है मैंने बताया था ना वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें अगर सोलह सत्रह इस टाइप के क्वेश्चन तेईस पैतीस इस टाइप के ऑप्शन में यार एक दो ऑप्शन इधर उधर हुआ ना एक दो एजम्पन तुमने ख़राब कर दिया तो पूरा ऑप्शन आंसर गलत हो जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चन तुमको अजुम्शन बहुत सारे लेने पड़ेंगे तुम देखो सोलह पॉसिबिलिटीज सोलह सत्रह पॉसिबिलिटीज़ बहुत मेहनत लगेगी इसमें ठीक है तो ये वाला छोड़ देता है यार एग्जामिनेशन में ये वाला नहीं करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन है देख लेंगे ठीक है और ये वाला देखते है फ्लैग हैज़ टू बी डिजाइन विद फोर हॉर्जेंटल स्ट्राइब्स एंड यूजिंग हॉर्जेंटल यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर्स रेड ग्रीन एंड येलो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच इट कैन भी डन सो दैट नो टू एडजस्टेंस टाइप्स ऑफ द सेम कलर अभी ये भी मुझे नहीं आता कैसे करते हैं इसमें भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन परमिटेशन बनता है यहाँ पे कौन सा रेड होगा कौन सा नहीं होगा फिर उसके बाद तो ये चीज़ मुझे नहीं आती है ठीक है इसलिए मैंने यहाँ भी सॉल्व नहीं किया है मैंने डायरेक्टली स्किप कर दिया इसको क्लियर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ करना भी नहीं है ठीक है सिक्सटी सेवन क्वेश्चन अब सिक्सटी सेवन क्वेश्चन क्या था ना इसमें नॉर्मल क्वेश्चन देख के लग रहा है मैंने भी पहले सॉल्व करने की कोशिश किया क्या है तो नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है इसमें क्या डिफिकल्ट होगा बट ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा जो एक्सेप्शन है थोड़ा सा इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था सिक्स सिक्सटी सिक्स वो तुम देख के तुम्हें समझे यार कुछ नहीं समझ रहा है कौन सा फ्लैग का कलर कहाँ रखू तीन कलर है एक तो चार उसमें बहुत सारे स्पेसेस है कौन सा क्या भरू बहुत डिफिकल्ट है सिक्सटी सेवन क्वेश्चन तुमको के इसी लेगा कि हाँ भाई ठीक है रेक्टेंगुलर फ्लोर ही तो है और चार मीटर लेंथ टू पॉइंट टू मीटर ब्रेथ टाइल्स की साइज है इतना और इतना तुम डायरेक्टली डिवाइड कर दो आंसर मिल जाएगा पर तुम डायरेक्टली डिवाइड करोगे तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा <coughs> क्योंकि टाइल्स कैन बी प्लेसड इन एनी ओरिएंटेशन ठीक है तो यहाँ मैंने ट्राई करके देखा ये आंसर तो मेरा टेन टेन आ रहा था टाइल्स तो फोर इंटू टू पॉइंट टू किया मीटर स्क्वायर जो कि एक्चुअल एरिया है और वन पॉइंट फोर इंटू पॉइंट सिक्स जो कि मेरे टेन प्लस आ रहा था तो कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं टेन प्लस के ऊपर मुझे समझ में आया यहाँ तो कुछ तो झूल है तो यहाँ समझ में आ रहा है कि सीधा डिवाइड करने से आंसर नहीं होगा टाइल्स सीधी ही रखनी है एक मतलब टाइल्स को तोड़ नहीं सकते यहाँ पे बस ये चीज़ है यहाँ पर तो मुझे समझा नहीं फिर उसके बाद तो मैंने छोड़ दिया मैंने जो आंसर देखा तब मुझे पता चला ओरिएंटेशन अलग है तो ऐसे क्वेश्चन में अगर टेन प्लस आंसर आया और ऑप्शन दिख नहीं रहा जो है जबकि इतनी ईजी क्वेश्चन है मैं कैसे गलत कर रहा हूँ जब मेरा कैलकुलेशन सही है ठीक है तो छोड़ देना ज़्यादा दिमाग लगाना है फिर ठीक है ये टेढ़ी मेटी टाइल जो रखना है ना वो एग्जामिनेशन के बाद जो कोचिंग वाले थे ना वो रखते बैठते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता सिक्स एथ देखते हैं जरा फाइव परसेंट पी क्यू आर एस ईच ऑफ़ हुम हैज टू बी असाइंड वन टास्क ना इधर पी नॉर क्यू बी असाइन टास्क वन टू मजबी असाइन टू अदर होम इन वेस्ट दिस असाइनमेंट कैन भी डन बी भी ठीक है परमोटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है बट मैं तो स्टार्टिंग में अवॉइड करूँगा छः बारह अठारह यहाँ मोस्ट प्रॉब्लम मैंने नहीं किया हुआ है क्वेश्चन किया हुआ है क्या किया हुआ है बारह आंसर आया इसका देखो परमोटेशन कॉम्बिनेशन मैंने किया हुआ है बट वो ये किया क्वेश्चन सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि पहली बार अब मैंने बहुत टाइम बात देखा है सॉल्व तो मैंने आठ से छः आठ दिन पहले किया हुआ था तो देखिए फिर मुझे लगा इसको कैसे किया मुझे मुझे भी याद नहीं था बट ये मैंने किया हुआ है तो उसने क्या बोला उसने पी और क्यू को टास्क ना इधर पी न और क्यू कैन भी गिवन टास्क टीवन तो आर एस टी को टास्क टीवन दिया और टास्क टू मस्ट बी असाइन टू अदर आर और एस आर और एस तो मैंने थ्री सी टू किया थ्री सी वन क्या था तीन में से एक इंटू टू सी वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन क्यों किया मैंने पता नहीं यार मैं खुद ही भूल गया इसको ठीक है तो इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए मैंने बोला कि इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करो एग्जामिनेशन लाइक कंडीशन में देखना हो तो किसी का देख लेना आंसर बट ये टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा नेगलेक्ट करो क्योंकि उसमें बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन नॉलेज अच्छा खासा चाहिए होता है सीधा थ्री सी टू करके आंसर नहीं आता है मैंने उस टाइम पता नहीं कौन सा दिमाग लगा के किया हुआ बट थोड़ा सा डिफिकल्ट था सिक्स नाइन क्वेश्चन हाँ ये वाला इजी क्वेश्चन है तो इस टाइप की इजी क्वेश्चन ढूंढनेंगे ना तो टाइम बचेगा यार वो उस टाइप के क्वेश्चन में टाइम लगाएंगे तो फिर दिमाग ख़राब होगा और फिर सी सेट क्लियर नहीं होगा ठीक है हाँ तो यहाँ पे ये था टू फाइव टेन ट्वेंटी फाइव फिफ्टी ग्राम्स के हमारे पास कॉइन है अब हमें सेवेंटी एट ग्राम्स बनाना है तो टू बाय सेवनी एट ग्राम्स ऑफ कॉइन वन मस्ट बाय एटलीस्ट सेवन कोइन्स ठीक है एटलीस्ट सेवन कोइन्स बना तो टू वेट सेवेंटी एट ग्राम्स ऑफ कॉइन यूजिंग दिस ग्राम वन कैन यूज लेस देन सेवन कोइंस ठीक है तो अब वैसे देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन मुझे क्या है ना बाय सेवेंटी एट ग्राम्स ऑफ कॉइन वन मंथ वर्स बाय एटलीस्ट लीस्ट सेवन कोइन्स तो अगर सेवेंटी एट ग्राम्स के कॉइन चाहिए हमको तो सात कॉइन हमें खरीदना ही पड़ेगा देखते कैसा ये क्या और टू तो वेट सेवेंटी एट ग्राम्स ऑफ कॉइन यूजिंग दिस कॉइन्स वन कैन यूज लेस देन सेवन कॉइन्स क्या इसको वेट करने के लिए सात कोइन से कम चाहिए हो सकता है क्या तो यार मुझे लग रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट थोड़ा सा कंट्रीट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे दूसरे को ठीक है कि सात सेवेंटी एट ग्राम कोइन खरीदना है तो सात कोइंस लगेगा मिनिमम पहले मैं चेक करता हूँ मुझे सेवेंटी एट ग्राम्स बनाना है तो मैक्सिमम कौन सा यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं टेन इंटू सेवन करूँगा तो सेवन प्लस टू टेन इंटू सेवन नहीं बड़े बड़े कॉइस लेके देखता हूँ पहले फिफ्टी का लेता हूँ एक फिफ्टी प्लस दस दस के दो लेता हूँ फिफ्टी टू सेवेंटी प्लस दो दो के फिर दो दो के मैं चार लेता हूँ एट ग्राम्स के लिए ठीक है तो यहाँ सात का कॉइंस लग रहे मतलब पचास का एक दस के दो तीन और दो के चार सेवेंटी एट ग्राम्स हो गए यहाँ पे सात कोइंस अब सात कोइन् से कम में तुम बना के देखो दो तीन न्यूट्रेशन लेके देखो तो नहीं बनेंगे तुम्हें तो समझ में आएगा ठीक है तो सेवेंटी एट ग्राम के लिए तुम्हें सात कोइन तो लेना तो ही पड़ेगा अब दूसरा लिखा तो वेट सेवेंटी एट ग्राम यूजिंग दिस कॉइंस वन कैन यूज लेस देन सेवन कॉइन्स सेवन कोइन् से कम यूज लेस लेस कॉइंस यूज हो सकते हैं क्या अब इसमें ना ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन ये है कि क्या मैं वेट को रिड्यूस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ ठीक है क्योंकि मुझे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट थोड़ी सी कंट्राडिक्ट्री लग रहा है सेवेंटी एट ग्राम्स अगर तुम्हें बनाना तो सात कोइन लेने पड़ेंगे तो अगर वेट करना है सेवेंटी एट ग्राम्स का तो तुम्हें सात कोइं से कम में कैसे होगा सात कोइं या सात कोइंट ज़्यादा ही लगेंगे सात कोंच तो एटलीस्ट लगेंगे तुम्हें उससे कम में तुम वेट कैसे करोगे तो मुझे फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट्री लग रहा है तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो मेरा सही आ गया और सेकंड स्टेटमेंट में गलत मानूंगा फिर ठीक है तो सेकंड सेकंड गलत करके मैं फर्स्ट सही मानूंगा इसमें ठीक है अब इसमें कुछ लोग अलग आंसर भी दे रहे हैं कि वेट कर सकती है तो वो थोड़ा सा अभी एक कॉन्ट्राडिक्शन में चला जाता है चीज़ ठीक है तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं अवॉइड ही करता हूँ एग्जामिनेशन लाइक कंडीशन में कि इसमें फिर से दो दो ऑप्शन है हाँ बट ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं एक बार अटैम्प्ट लूँगा इसको कि हाँ भाई फर्स्ट स्टेटमेंट तो आ गया था मेरा सेवेंटी एट क्वाइंस के लिए मेरे को सात को तो लगेंगे उससे ज़्यादा तो उससे कम में तो नहीं होगा ठीक है मैंने ट्राई करके कर देख लिया ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव के लिए ट्वेंटी फाइव टू जो फिफ्टी फिफ्टी का एक लेता हूँ ना कम से कम तो फिफ्टी तो लगेगा एक और फिफ्टी प्लस ट्वेंटी फाइव सीधा मैं ले लूँगा फिफ्टी प्लस एक ट्वेंटी फाइव का ले लिया मैंने फ़िफी प्लस ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव हो गया और फिर उनके पास तीन ग्राम बचा तो अब तीन ग्राम का हाँ से लूँ मैं ठीक है तो ये गलत है इसलिए ठीक है और फिर अगर सेकेंड स्टेटमेंट में कुछ कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें सेवेंटी एट ग्राम्स कॉइन मेजर करना है तो तुम पहले फिफ्टी ग्राम का लो फिर ट्वेंटी फाइव ग्राम का को एक कॉइन ले लो ठीक है हो गया और फिर उसके बाद फाइव माइनस टू कर दो तो प्लस थ्री आ जाएगा तुम्हारे पास तुम्हारे पास लेस देन सेवन कॉइन्स में तुम सेवेंटी एट ग्राम मेज़र कर सकते हो कुछ कुछ लोगों का ऐसा कहना है तो यार ये थोड़ा सा इसलिए वेट करने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अजीब हो जाता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो मैंने सही कर दिया सेकंड स्टेटमेंट अगर एग्जामिनेशन में तो मैं गलत करता हूँ क्योंकि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है वेट कैसे करना है ठीक है तो इसलिए इस टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा अवॉइड करता है और अगर करना होता तो एग्जामिनेशन में ट्राई ले सकते थे बट सेकेंड स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है और वैसे मैंने बोला अगर दो स्टेटमेंट हो क्वेश्चन में तो उसको ना ना लास्ट लास्ट में ठीक है लास्ट लास्ट में अगर टाइम बचा तो ठीक है और सेवनटी एथ क्वेश्चन देखो सेवनटीथ क्वेश्चन ऐसा है कि अगर इसमें तुम्हारे पास फिर ठीक है अब ये क्या है पी इन टू क्यू पी टी पी टी टी आर एस आर एस ठीक है ये भी थोड़ा सा यार वैसे ही क्वेश्चन है जिसको पता हो तो तुम सॉल्व कर सकते हो वरना ये नया टाइप का क्वेश्चन है नया टाइप क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना है आप एग्जामिनेशन में पी इन टू क्यू पी माइनस टी टी आर अब यहाँ एक एक वैल्यू यूजूम तो कर सकते हैं नहीं बट डिफ़िकल्ट हुआ था ये डिफ़िकल्ट हुआ था थोड़ा सा ना इधर से मतलब नहीं ये वाला सॉल्व नहीं करना है बड़ा 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 बहुत सारी बहुत सारी वैल्यूज है बिल्कुल नया क्वेश्चन है इस टाइप क्वेश्चन का हाथ नहीं लगाना आई थिंक हमने दस से ज़्यादा तो क्वेश्चन तो देख ही लिए डेफिनेटली बट फिर भी अब लास्ट में क्या क्वेश्चन बचे हुए हैं वॉट इज द रिमाइंडर वैन टू रेस्ट पा वन नाइन्टी टू इज़ डिवाइडेड बाई सिक्स ठीक है अब बस सेम यहाँ पे क्या होता है सेवेंटी फोर भी मुझे लगता है अटैम्प्ट किया है देखते हैं क्या अटैम्प्ट किया है कि नहीं ठीक है दो मैंने सॉल्व किया हुआ ये वाला क्वेश्चन सेवेंटी एथ क्वेश्चन बट वो है कि एक ही दूसरी टेक्निक थी उसकी सॉल्व करने की ठीक है पी क्यू टी आर एस की वैल्यू मैंने कुछ एज्यूम करके देखा है यहाँ पे पी क्यू आर एस टी कौन सी से वैल्यू सेटिसफाई कर रही है कौन सा से सेटिसफाई नहीं कर रही है तो उससे मेरा आंसर लकीली आ गया इसका ठीक है तो मैंने क्या किया था उस यहाँ पे एक सेकंड देख लेते हैं ठीक है तो मैंने पी क्यू पी टी टी आर आर एस ठीक है मैंने कुछ वैल्यू वैल्यूज्यूम कर ली जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए थे पी इन टू क्यू मतलब पी एन टू क्यू मतलब पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू तो मतलब पी इज़ ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू क्यू तो मैंने p ग्रेटर देन इक्वल टू q तो p की वैल्यू टेन ले लिया q की वैल्यू लिया ग्रेटर देन ले लिया एक में तुम इक्वल टू लेके देख सकते हो तो फिर ऐसे मैंने t की वैल्यू ट्वेल्व t की वैल्यू ट्वेल्व क्यों लिया तो p माइनस टी मतलब आ, p इज़ नॉट ग्रेटर देन t मतलब t ग्रेटर देन p ठीक है तो t ग्रेटर देन p लिया मैंने फिर t p से टेन बढ़ा लिया फिर देखा फर्स्ट तो मैंने ऐसा ऐसे करके जो पी क्यू टी आर की वैल्यू आ गई मेरी आज इक्वल टू एस तो मैंने इक्वेशन सेटिस्फाई किया तो फर्स्ट इक्वेशन क्या सेटिसफाई हो रही है हाँ तो फिर इसी तरह से मैंने इसमें देखा वैल्यू तो वन सेटिसफाई नहीं कर करा सेकंड सेटिस्फाई कर रहा था ठीक है तो अगर तुम्हें करना हो तो ये कर सकते हो वरना फिर छोड़ो इसको ठीक है सेवनटी फ़र्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ठीक है सेवनटी फर्स्ट क्वेश्चन सेवनटी फर्स्ट सेवेंटी फर्स्ट क्या है सेवेंटी फ़र्स्ट तो जी एस है सेवेंटी एक सेकेंड हिंदी आ गया सेवन फोर्थ क्वेश्चन टू रेस्ट फाइव वन नाइन टू टू डिवाइड बाई सिक्स अब ये मुझे नहीं आता कैसे करते हैं ठीक है थीके? तो मैंने डायरेक्टली छोड़ दिया कि नहीं पता है कुछ तो अजीब सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा सिंपली नहीं हो रहा है सेवेंटी फिफ्थ क्वेश्चन ए बी सी डी ए बी सी वगैरह ठीक है ये वाले कैसे करते हैं अब इसको करने का मैंने छोटा सा ट्रिक निकाला था जब मैं एक्चुअली सॉल्व कर रहा था तब मुझे लगता था यार कौन सा पैटर्न बनाओ क्या पैटर्न बनाओ कुछ नहीं समझ रहा है इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा ट्रिक जो है पहले तुम देखो कितने काउंट कर लो कितने यहाँ पे टर्म्स हैं ठीक है टर्म्स कैलकुलेट किया जो कि आ रहे थे मेरे ट्वेंटी टर्म्स अब मैंने ट्वेंटी टर्म्स को डिवाइड करो या तो जिससे वो इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स में डिवाइड हो जाए कुछ तो मैंने पहले फाइव से डिवाइड किया ठीक है सॉरी फोर से डिवाइड किया तो कुल मिला कि फाइव टर्म्स आए तो मैंने इसको पाँच पाँच के टर्म्स में काट दिया क्योंकि जनरली इसमें ऐसा होता है कि पाँच पाँच के टर्म्स में कुछ ना कुछ तुम्हें पैटर्न दिख जाएगा तो मैंने पहले इसको ट्वेंटी डिवाइड बाई फोर किया फाइव फाइव के टर्म्स में काट दिया तो ए बी सी दो डैश ए बी सी डैश डी ए बी बी सी डी डैश ए बी सी ठीक है तो ऐसे में मुझे तो कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा ए बी सी डी ए बी बी सी डी कुछ नहीं दिखा तो फिर मैंने दूसरा काम किया या तो इसको मैंने चार चार के पैटर्न में तोड़ दिया ट्वेंटी डिवाइड बाई फाइव इक्वल टू फोर तो ए बी सी डैश डैश ए बी सी ठीक है सेकंड चीज़ जो दिख रही है वो ये है फोर फोर के पैटर्न में तोड़ा ठीक है अगर तुम्हारे पास दस टर्म्स होती तो तुम उसको पाँच पाँच में तोड़ते ठीक है थेके? दस टर्म तो नहीं होती वैसे ज़्यादा टर्म्स होती है या फिर पंद्रह टर्म होती तो पाँच पाँच के इसमें तोड़ते या तीन तीन के पाँच में तोड़ते उसको बीस टर्म्स ऐसा तोड़ा अठारह टर्म्स अगर तुम्हारे पास होती तो तुम तीन तीन के टर्म में तोड़ सकते थे थ्री सिक्स जटीन या सिक्स थ्री जटन ऐसे ऐसे करके टर्म्स में तोड़ने की कोशिश करो ठीक है तो मैंने यहाँ पर तोड़ा तो ए बी सी डैश डैश ए बी सी डैश ए बी डी तो मुझे देख रहा है कि यहाँ पे अच्छा सिर्फ एक ट ए बी सी डी के लिए सिर्फ एक एक नंबर खाली है फोर्थ में पूरा ए बी सी डी आ गया तो मुझे समझ रहा है कि सिर्फ एक एक टर्म खाली है तो मैं गया भाई समझ गया ए बी सी डी डी ए बी सी सी ए सी डी ए बी और बी सी डी ए ठीक है तो ये आसानी से मेरा निकल गया यहाँ पे आंसर वो ये चीज़ें याद रखना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आए एग्जामिनेशन में तो अब क्या है हमारे पास ये क्या क्या सॉल्व किया गया क्या सेवेंटी सिक्स सेवनटी सिक्स किया हुआ डी फोर जीरो एट ऐसा आंसर है नहीं 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 वही देखिए कुछ तो अजीब लग रहा है सेवनटी सिक्स ए बी सी डी नहीं आ रहा आंसर ठीक है तो मैंने थोड़ा ट्राई किया वैसे ही क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है ए बी सी डी आर टू डिजिट नंबर मल्टीप्लाइंग ए बी विदीज थ्री थ्री डिजिट नंबर डी ई एफ एडिंग डी एफ टू अनदर नी डिजिट नंबर जी एच आई किटी फाइव कोई इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ट्राई करके देखा क्या क्या कुछ मेरा पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला चीज़ काम कर रहा है क्या तो मुझे यहाँ पे कुछ सही से मिल नहीं रहा था ठीक है मैंने ए बी सी डी कुछ करके देखा तिकड़म विकड़म लगा के देखा वन टू थ्री फोर वैल्यू करके देखा तो डी ई एफ पर जो डी ई एफ जी एच आई की वैल्यू सेवन नाइनटी फाइव नाइन सेवेंटी फाइव चाहिए थी वो वाला डी एफ आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता ठीक है ए प्लस बी प्लस इज इक्वल टू सिक्स है अच्छा आ गया इसमें आंसर मेरा सिक्स आंसर है शिट पागल हो गया मैं आया भाई इसमें भी काम किया शर्ठ शठ शर्ट सॉरी काम किया इसमें सॉरी मैं अपनी ट्रिक पे शक कर रहा था ठीक है ठीक है बहुत टाइम हो गया सॉल्व किया मुझे क्या क्या E ईक्ल टू जीरो एफ इजल टू एट दिया है मेरे पास मैंने ए बी सी की वैल्यू ए बी सी डी डी एफ मिला आंसर सर ए इजल टू वन बी इज टू टू सी इज टू थ्री डी इज टू फोर कर लिया तो वन टू इंटू थ्री फोर किया मेरा आंसर फोर जीरो टाया है बट ये था कि ये प्योर लक था यार कि अगर मैंने ए की वैल्यू टू एज्यूम करके बी की वैल्यू थ्री फोर फाइव एज्यूम करता तो यहाँ पे आंसर नहीं आने वाला था डी हो सकता है कि मेरा एट ना आता ठीक है मैंने सिर्फ एज्यूम करके देखा ये शायद प्योर लक से आया ये आंसर ठीक है इसमें अगर मैं कुछ और वैल्यू वैल्यूजूम करता हो सकता ना आंसर आता ठीक है तो ये ऑनेस्टली बोलूँ थोड़ा सा लक था मेरे साथ जब मैंने सॉल्व किया था इसलिए इस टाइम पर मुझे लगा कि यार ये सॉल्व नहीं करना चाहिए था बट इस मेथड से होता है बट थोड़ा सा लकी होना चाहिए था तुम्हें वन टू थ्री फोर क्या फोर जीरो एट डी इज इक्वल टू फोर मैच कर गए यहाँ पे ई एफ अलग अलग आ गया ए बी सी की वैल्यू और डी ई एफ प्लस जी एच आई की वैल्यू नाइन सेवेंटी फाइव मतलब जी एच आई फाइव सेवेंटी सिक्स आ गया ठीक है और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई वैल्यू अलग अलग आ गई ठीक है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सबकी वैल्यू डिफरेंट आ गई तो मैं समझिए सबकी डिस्टिंक वैल्यू है और मेरा इक्वेशन क्वेश्चन कर रहा है इसमें तो मैंने ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू सिक्स आ गई मेरी ठीक है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कोइंसिडेंस था और भगवान की कृपा से आंसर आइए ठीक है सेवेंटी सेवेंथ क्या है ये पाँच स्टेटमेंट यहाँ पे बैठे टू स्टेटमेंट और ट्रू वन स्टेटमेंट इज फॉल्स यार ये टाइप की चीज़ ना पहली बार मैंने ये पेपर में देखी हुई क्या लिखा हुआ एक सही है कौन सा गलत है कौन सा सही है तुम बताओ किसमें इतने सही है कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है? अब कौन एक सिलेक्ट हुआ पहले तो तीन स्टेटमेंट देखो किसका सही है किसका झूठ है फिर उसके बाद झूठ पकड़ो सच पकड़ो फिर उसके बाद वन टू में से बताओ कौन सा है नहीं यार मैं नहीं करने वाला एग्जाम में इसमें एक्चुअली नहीं करने वाला सेवेंटी एथ क्वेश्चन लेट पी क्यू आर एस टी फाइव स्टेटमेंट इफ पी इज ट्रू देन बोट क्यू एन एस आर ट्रू इफ आर एस ट्रू देन दैन टीज फेल्स बहुत कन्फ्यूजन है बहुत कन्फ्यूजन है दो स्टेटमेंट पढ़ो फिर उसके बाद दो स्टेटमेंट को एनालाइज करो इसका आंसर निकालो इतना टाइम नहीं है मेरे पास ठीक है कि मैं दोनों स्टेटमेंट पढ़ते बैठी तो मैं बताया था दो स्टेटमेंट पढ़ने में वैसे टाइम बहुत लग जाता है मैं नहीं करने वाला क्यूबोर्ड ऑफ डमेंशन सेवन फाइव थ्री इज पेंटेड रेड ग्रीन एंड ब्लू सेवेंटी नाइन क्वेश्चन अब इसमें भी यार सच में ये सेवेंटी नाइन्थ क्वेश्चन मैंने शायद क्या हुआ है बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ठीक है सेवेंटी नाइन्थ क्वेश्चन में क्या आया था आंसर फिफ्टीन ठीक है ठीक है ठीक तो है तो फर्स्ट मेरा फिफ्टी आया सेकेंड मेरा फोर आया नॉट सिक्स तो फर्स्ट स्टेटमेंट चाहिए सेकेंड स्टेटमेंट मिलता है बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा देखना है तो देख लेते हैं कैसे होता है बट सजेस्ट नहीं करूँगा कि दो स्टेटमेंट चेक करना है क्यूबॉइड सेवन फाइव थ्री का सेंटीमीटर डायमीटर को अलग अलग किया को पेंट किया गया उसने बताया कौन से साइड को कौन सा पेंट किया गया ठीक है और देन द क्यूबर्ड इज कटिंग टू सेपरेट टू वेरियस क्यूब्स ईच ऑफ साइड वन सेंटीमीटर तो क्यूब में काट दिया वट इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कर दे आर एग्जैक्टली क्यूब स्माल नो पेंट ऑन एनी फेस ठीक है तो इसके अंदर जो यहाँ पे जो एक फाइव वाला लेवल एक फाइव वाली रो और एक थ्री वाली रो फाइव टू थ्री फिफ्टीन होगी जिसमें कोई पेंट नहीं होगा जो कि सबसे अंदर होगी कोर वाली रो होगी और उसके बाद क्या होगा दर आर एग्जैक्टली सिक्स स्मॉल क्यूब्स विद एक्जैक्टली टू फेस और वन फेस पेंटेड विद ब्लू अदर विद ग्रीन तो ब्लू और ग्रीन ठीक है ग्रीन और ब्लू ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सॉरी फोर होगी वन टू थ्री फोर ये भी यार ये मेरा दिमाग है ये मैंने थोड़ा सा किया हुआ इसलिए वरना एग्जामिनेशन में इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होने की बहुत चांस होती है तो अगर ये अवॉइड करो तो तुम्हारी भलाई है वरना अगर इस टाइप क्वेश्चन पहले किए हुए तो कर लेना क्योंकि मेरा मेन एम ये नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चनस करवा दूँ ठीक है मैंने बस इतना है कि लोग पूछ रहे हैं अरे कैसे सॉल्व होता है ये पेपर क्योंकि जो भी कट ऑफ से पीछे रहता है वो ऐसा नहीं कि बीस पच्चीस नंबर पीछे रह जाता है सिर्फ कट ऑफ से चार या पाँच नंबर पीछे रहता है मैक्सिमम लोग इतना ही पीछे होंगे एक नंबर से आधे नंबर से अब वो इतने सारे क्वेश्चन तुमने देखा है अगर तुम्हें दो क्वेश्चन भी ऐसे मिल गए तो तुम्हें लग रहा है कि यहाँ ऐसा सॉल्व हो सकता है तो मुझे इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप की प्रैक्टिस करनी चाहिए ठीक है तुम्हें लग रहा है कि हाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व हो सकता है तो वहाँ पर आंसर निकाल लेना बस और कुछ नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ ये वाला क्वेश्चन तो यार सॉल्व नहीं हो रहा वो सॉल्व नहीं हो उतना दिमाग लगाना ठीक है सिर्फ ईजी वाला सॉल्व करना है दो चार क्वेश्चन भी ऐसे तुम्हें तो लग रहा है कि मेरी वजह से एक्स्ट्रा सॉल्व हो गया तो हो गया तुम्हारा काम एटीथ क्वेश्चन देखना है इनकम्प्रेहेंसिबिलिटीज़ क्या बोल रहा है इसके बारे में द लेटर ऑफ द वर्ड इनकम्प्रेहेंसिबिलिटीज आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर अच्छा हाउ मेनी पोजिशन ऑफ द लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड पहले इसके लेटर्स निकालो फिर उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करो उल्टे ऑर्डर में ठीक है ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि इसमें तुम्हारा मतलब ऐसा है कि अगर तुमने प्रैक्टिस किया तो ठीक है वरना ये क्वेश्चन ऐसा है कि तुम्हारा हो सकता है बट मेहनत बहुत लगेगी और तुम्हारा दिमाग बहुत जाएगा इसमें ठीक है बहुत मेहनत और बहुत दिमाग लगेगा मतलब पहले उसको रिवर्स करो और एक साथ अरेंज करो हो सकता है तुम एक दो वर्ड खा जाओ तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है तुम ट्राई करके देखना इसको क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं सिर्फ मजदूरी वाला क्वेश्चन है ठीक है अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस टाइप क्वेश्चन से थोड़ा फेमिलियर हो या कर सकते हो तो फिर करना ना वरना इस टाइप के क्वेश्चन को भी मैं तो छोड़ देता हूँ ये मैंने ट्राई करके देखा था यहाँ पे एक बार के बाद किया नहीं मैंने क्योंकि मुझे मजदूरी लग रही थी इनकॉम्प्रेंसिबिलिटीज़ को उल्टा लिखो कभी ई मेरा गलत हो जा रहा है कभी आए सी में सही से नहीं लिख रहा हूँ सी आ नहीं रहा है अरे ये छूट गया फिर उसके बाद वापस उसकी सीरीज़ कम्प्लीट करो कौन कौन सेम टर्म्स पर आ रहे है तो मेरे लिए थोड़ा सा वो दिमाग ख़राब करने वाला काम है ठीक है बहुत मेहनत है बट अगर इनकेस अगर तुम्हारे क्वेश्चन कम्प्लीट नहीं हो रहे हो और तुम्हारे पास चलो पाँच सात मिनट बचा हुआ और यही क्वेश्चन है तुम मजदूरी करनी पड़ रही है तो फिर तो ज़रूर करना चाहिए ठीक है और यहाँ हमारे एटी क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए इतने क्वेश्चन बताया कि तुम्हारा इससे क्लियर हो जाएगा और जो कॉम्प्रेसन का पार्ट था वो मैं पहले डाल चुका हूँ ये वाला जो था वो कौन सा रीजनिंग के पार्ट था ठीक है तो ये हो चुका और ठीक है बाय बाय अच्छी बात बोली आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप थोड़ा सा मार दीजिए